पहला सेट है, अभी मैं शीट दिला दूंगा आप लोगों को, पहले पढ़ लो इसके अंदर। ये थोड़ा कंपैरेटिवली इजी है, बस थोड़ा डेटा ज्यादा है और कुछ नहीं है ना। टेबल दी हुई है और एक बार पढ़ो, शायद कुछ समझ में आएगा, फिर आपसे बात करते हैं। तो आपको देखो, पहले वाला जो आपके पास जो स्लाइड है, इस पे जो इन्फॉर्मेशन है आपके पास, इसमें तो जो खाली टेबल है, और टेबल मैंने आपको शीट में दे रखा है। ठीक, हाँ जी। और कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है जो कि आपको यहाँ दे रखे हैं। ठीक, इसमें क्या क्या बातें हैं पहले एक बार देख लेते हैं, फिर उसके क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन को देख करके समझ में आएगा कि फाइनली जो डेटा जो अलग अलग दे रखा है टेबल्स में, उनको क्या करना है, एक साथ कंपाइल करना है, क्या क्या बातें निकालना है ना, वो उसके बाद समझ में आएगा। तो जैसे अभी आपको यहाँ पे दे रखा है, जैसे एस के बारे में बताया कि एस दिल्ली में रहता है या सबसे लोएस्ट टारगेट अचीव किया, ये सब बातें अपनी जगह, वो बाद में देखेंगे। जो बात थोड़ी समझनी हुई है कि टोटल जो टैक्स है सैलरी पे, है ना, तो वो क्या है कि बेसिक का 30% लिया जाता है, एचआरए का 20% लिया जाता है, और जो बोनस मिल रहा है उसका 10% लिया जाता है। जो डीएनएस अलाउंसेस हैं उसको इसमें इंक्लूड नहीं किया गया। डीएनएस अलाउंसेस होता होगा जैसे कुछ महंगाई भत्ता जिसको हिंदी में बोलते हैं ना। अच्छा, वो हाँ इंफॉर्मेशन हाँ प्राप्त वही। एक मुश्किल नहीं, कोई आएगा तो दे देंगे। ठीक है, तो ये बातें दे रखी हैं आपको। तो जब मैं अगर बात करूंगा आपसे टोटल सैलरी की, तो टोटल सैलरी का जो कंपोनेंट है वो क्या क्या है अपने पास? बेसिक है, एचआरए है, बोनस है, और नहीं वो टैक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, टोटल सैलरी जो ग्रॉस सैलरी आएगी उसमें सारे जो अलाउंसेस हैं वो तो सारे ऐड होंगे, तब आपको टोटल सैलरी मिलेगी। जब टोटल सैलरी मिल जाएगी उसके बाद ये डिसाइड होगा कि आपको सैलरी पर टैक्स कितना देना है। समझ गए बात को? तो वो सारी बातें हम लोग को पता करनी है। तो आपको इसके अंदर क्या क्या चीजें लिखना चाहिए, किस टाइप से डेटा आपको कंपाइल करना है, थोड़ा बहुत खुद से आइडिया लगाओ, क्योंकि एवरी टाइम मैं नहीं बताऊंगा ना। तो अब थोड़ा सा टाइम आ गया कि आप लोग भी खुद से दिमाग लगाओ, इन इन पॉइंट्स का यूज करना होगा। अब मैं एक क्वेश्चन दिखा देता हूँ आपको, जैसे ये कि व्हाट इज द सैलरी ऑफ वी, तो वी को कितना सैलरी मिल रहा है। तो वी को जो सैलरी मिल रहा है दैट इज द His basic प्लस एचआरए होएगा, प्लस बोनस होएगा, प्लस डीए भी होएगा, तो जो भी कंपोनेंट है सब ऐड होकर के फाइनली इसकी सैलरी बनेगी। बात समझ गए? तो यहाँ पे देखो, सब जो डेटा गिवन है उसमें किसकी बेसिक सैलरी कितनी है, डीए कितना है तो पता है, बट कौन कितना टारगेट अचीव कर रहा है ये नहीं पता है। ये आपको पता चलेगा जो दूसरी साइड पे डेटा दे रखा है, तब आप उसका टारगेट के अकॉर्डिंग उसका बोनस दे पाएंगे। कौन किस सिटी में रहता है उसके अकॉर्डिंग उसका आप एचआरए देंगे। तो ये आपको ये नहीं दिया हुआ है कि ये जो है ए जो है वाई का है, ये किसी और का है, ये ऑर्डर में नहीं है, अलग अलग टेबल्स हैं, एक ही में यहाँ दिखा दिया गया, बट आपका शीट पे सब अलग अलग पड़ा है, अलग अलग। तो ये देखने में एक ही में लग रहा है, एक में नहीं है, क्लियर? तो यहाँ पे जो बोनस है ये रैंडम ऑर्डर में किसी का भी हो सकता है, और जो सिटी है जिस जो सिटी ऑफ रेजिडेंस है वो भी अलग अलग है, किसी भी किसी का भी हो सकता है। तो पहले वो डिसाइड करेंगे तभी फाइनल सैलरी आ पाएगी ना। ठीक है, तो आपको जो बातें दे रखी हैं इसका यूज करना है आपको सबसे पहले, कि एस लिव्स इन दिल्ली एंड हैज अचीव्ड द लोएस्ट परसेंटेज ऑफ सेल्स टारगेट। तो एस के आगे आप मेंशन कर सकते हैं कि सिटी में है, लोएस्ट टारगेट अचीव किया है तो क्या कितना बोनस मिलेगा। थोड़ी बहुत बातें खुद से देख सकते हैं। जो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं इसका यूज आपको, ये टेबल आप इस टाइप से बना लो, हालांकि मैंने दिखाई दिया यहाँ पे, तो आप इस टाइप से बना लो सब लोग, कि बेसिक सैलरी लिख लो, है ना, सबकी बेसिक सैलरी, डीए सबका, बोनस, एचआरए, टोटल सैलरी, टैक्स ऑन सैलरी एंड टैक्स एज ए परसेंटेज ऑफ सैलरी। ये आप लोग को स्ट्राइक नहीं करेगा, ये मैंने पहले बनवा दिया, बिकॉज क्वेश्चन में एक जगह पे परसेंटेज टैक्स की बात किया है, तो इसलिए मैंने पहले बता दिया कि आपको ये सारी चीजें चाहिए हो। ठीक है, तो आप सभी लोग जो लोग ऑनलाइन है, शिवानी शीट डाउनलोड कर लेंगे तो टेबल बनाने में आपको थोड़ा आसानी होगी। ठीक है, तो सबके पास है, वैल्यूज लिखना स्टार्ट करिए, 5 मिनट का टाइम लीजिए, उसके बाद फिर क्वेश्चन बनाएगा। ये कंपैरेटिवली काफी आसान क्वेश्चन है, इसके बाद वाले सेट्स आपको ज्यादा अच्छे मिलेंगे।
शिवानी अगर कोई स्लाइड देखनी होगी आपको तो बता दीजिएगा, अगर डेटा चाहिए तो। साफ सुथरा टेबल बनाएंगे ना, समझने में उतना ज्यादा आसानी रहती है। बहुत ज्यादा हॉच पॉच करके जो लोग बनाते हैं ना, खुद ही कंफ्यूज हो जाता है, तो वो सब काम मत करिएगा सब लोग। वो रुपीस होना चाहिए था, वो गलत हो गया। नहीं नहीं वो रुपीस है वो। चलो तो जो कॉमन डेटा जो बहुत ऑब्वियस है वो तो मैं लिखी दूं यहाँ पे, आ जाओ आगे। तो 1000 10,000, 12,000, 8,000 एंड 12,000। जो डायरेक्ट बातें हैं वो आप डायरेक्टली लिख सकते हो, बाकी कुछ चीजें पता करनी पड़ेंगी एडिशनल इन्फॉर्मेशन के थ्रू, है ना। तो पहला जो टेबल था उसके अकॉर्डिंग आपको बेसिक सैलरी सबका पता है, किसको कितना परसेंट डीए मिल रहा है वो भी पता है। तो जैसे अगर मैं एस की बात करूँ, कितना डीए मिल रहा है, 40%, सिंपल सा 4000 यहाँ पर इसका डीए हो जाएगा। फिर वाई को कितना मिल रहा है, 35%, तो इसका 35% कितना हुआ भाई, 4200, ठीक है, तो ये हो गया 4200। फिर एम की अगर बात की, जिसको मिल रहा 30% डीए, तो बेसिक का, अच्छा ये अगर ना लिखा होता 30% ऑफ द बेसिक, तो मैं उसको ऐसे नहीं कैलकुलेट करता, फिर उसके लिए कुछ ना कुछ हिंट देता कि वो किस किस वैल्यू का 30%, क्योंकि परसेंटेज वाली कोई इंडिपेंडेंट वैल्यू नहीं होती। मैंने हमेशा बताया कि अगर लिखा 25% तो किसी ना किसी चीज का 25% है ना, तो ऐसे 30% है यहाँ पर, तो कितना आ जाएगा, 2400 आ जाएगा। अब फिर वी वाले का 25% इसका 1/4 हो जाएगा, 3000। ये तो डेटा हम लोगों को पहले से ही, मतलब पहली पहली टेबल में इतना दिया हुआ था, इसके लिए तो ज्यादा टेंशन नहीं है अपने को, ठीक है। फिर उसके बाद बात है कि एक टेबल में दिया हुआ है आपको सेल्स टारगेट अचीव्ड, तो जो जितना अचीव करेगा अकॉर्डिंगली बोनस मिलेगा, और क्लास ऑफ सिटीज भी दे रखे है। फिर उसके बाद जो डेटा दिया है उसके थ्रू आगे बढ़ते हैं। जैसे यहाँ पे बोलता है क्या है, एस लिव्स इन दिल्ली, तो एस के आगे यहाँ पे मेंशन कर लो कि ये जो है ये दिल्ली में रहता है, ठीक है। तो एस लिव्स इन दिल्ली एंड हैज अचीव द लोएस्ट परसेंटेज ऑफ सेल्स टारगेट, तो सेल्स टारगेट में मेरे पास लोएस्ट वैल्यू क्या है भाई, तो अगर 70% है तो ये किसने अचीव किया है, एस ने, तो एस के लिए आ गया यहाँ पे, इसके लिए 5000 मेंशन कर दूंगा। क्या हो रहा है आज, तो यहाँ पर इसको मिलेगा 5000, क्योंकि जो सबसे कम वाला जो वैल्यू है अपने पास 70%, उसको 5000 ही बोनस मिलता है, तो वो एस के लिए हो गया। तो पहला पॉइंट तो हमने पूरा यूज कर लिया यहाँ पे, इसमें कोई बात ऐसी तो बची नहीं कि जो हमने ना यूज किया। वाई लिव्स इन पुणे एंड एम लिव्स इन रायपुर, तो इसको भी मेंशन कर लो भाई, ये पुणे में रहते हैं और ये रहते हैं रायपुर में, तो एक कोई और सिटी बची है अपने पास, जो भी नाम आएगा आगे के उसमें जो है बोकारो लिखा हुआ है ना, तो फोर्थ सिटी इनके लिए हो जाएगी बोकारो, क्लियर है ना। फिर आगे क्या लिखा हुआ है वो भी देख लो, ये पॉइंट भी पूरा यूज हो गया। वी लिव्स इन बोकारो, वी लिव्स इन बोकारो तो ऑटोमेटिकली आ गया था, एंड हैज अचीव्ड अ लोअर परसेंटेज सेल्स टारगेट देन दैट अचीव्ड बाय वाई, ठीक है। इसने क्या किया है, जो टारगेट अचीव किया है वो लोअर देन द परसेंटेज सेल्स टारगेट देन द अचीव्ड बाय वाई, तो वाई को जितना भी मिला है बोनस है ना, तो वो तो अभी हम लोग को पता नहीं है। बस हमें एक बात पता है कि यहाँ वाली वैल्यू और यहाँ वाली वैल्यू, ये जो दो वैल्यूज हैं यहाँ पे बोनस वाले, यहाँ पे और यहाँ पे,
है ना, ये वाली वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए, ये वाली वैल्यू उससे कम होनी चाहिए। साफ साफ लिखा ना कि बोकारो में जो रह रहा है वी, उसको जो है इनसे कम ही बोनस मिलता है। क्लियर? तो ये तो बात हो गई कि कम बोनस मिलना है, शी गेट्स रुपीज 8,000 इन बोनस। ये पॉइंट किसके लिए यूज किया? वी के लिए। इसको इस लाइन को पूरा पढ़ेंगे तो ये बात हो रही है वी के लिए। तो वी को मिलना, सॉरी, वी को मिलना है 8,000। ठीक है, तो अगर वी को 8,000 मिलना है तो सिंपल सी बात है कि पी को उससे ज्यादा बोनस मिलना चाहिए। तो 8,000 से ज्यादा बोनस कितना है मेरे पास? 8,000 से ज्यादा सिर्फ मेरे पास एक ही वैल्यू 10,000। तो ना चाहते हुए भी ये वाला बोनस जो है किसके पास चला जाएगा? पी के पास चला जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 10,000। और एक जो बोनस बचा हुआ है अपने पास 6,000 वाला, वो आर के पास चला जाएगा। एक मिनट पूरा पढ़ लेते हैं एक बार। इन एन ऑर्गेनाइजेशन द सैलरी कंपोनेंट्स तो आपको दे रखा है, द सैलरी कंसिस्ट ऑफ दीज पार्ट्स। ठीक है, और ईच एम्प्लॉय रिसाइड्स इन अ सिटी ऑफ अ डिफरेंट क्लास एज शोन इन द टेबल। हर एक बात मेंशन रहती है ना। मैंने उस पढ़ा नहीं था, मैंने आप लोग को पढ़ने के लिए दिया था उस टाइम पर। क्लियर है अभी? अभी क्लियर है? चलो, तो यहां तक तो मामला क्लियर है, बोनस वाली बात क्लियर हो गई। अच्छा, अब आपको और कुछ एडिशनल बातें, आपको सिर्फ एचआरए पता करना है, देन टोटल सैलरी तो आई जाएगी। तो एचआरए के लिए हमें चाहिए कि कौन किस टाइप की सिटी में रहता है, कि जो मेट्रो सिटी में रहेगा उसको भाई 7,000 मिलेगा, जो ए क्लास में रहेगा अकॉर्डिंगली मिलेगा यहाँ पे। तो आगे कुछ पॉइंट्स बचे हैं उसको भी यूज कर लेते हैं। दिल्ली इज ए मेट्रो क्लास सिटी, तो मेट्रो क्लास में कितना मिलता है एचआरए? तो यहाँ पे आ जाएगा 7,000। तो दिल्ली वाली बात तो हो गई अपने पास। ठीक है, फिर पुणे इज अ बी क्लास सिटी एंड बोकारो इज अ सी क्लास सिटी। तो पुणे बी क्लास सिटी है एंड बोकारो सी क्लास सिटी है। ठीक है, तो बी, हाँ, वो ऑटोमेटिकली फिर ए क्लास आ जाएगा यहाँ पे। तो बी क्लास सिटी के लिए अपने पास कितना आ रहा है? 4,000 आ रहा है, और ए क्लास सिटी के लिए 5,000 था, और इनके लिए क्या आ गया? 2,000। तो सारे कंपोनेंट्स अगर आ गए, इसमें ज्यादा कुछ बचा नहीं है, बस यहाँ पे ये था कि डेटा थोड़ा सा बस अलग अलग लिखा हुआ था, बट ऐसा कोई डिफिकल्ट काम नहीं था जो हम कर नहीं सकते, है ना? समझ गए सभी लोग? अब एक काम करिए कि सबका टोटल सैलरी निकाल लो। सभी लोग, टोटल सैलरी कैसे आएगा? सम ऑफ दीज फोर, इन सबका सम निकाल लो। एंड देन आप इसके बाद ये भी पता कर लो कि टैक्स कितना आएगा, फिर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 5-2 मिनट में सारे क्वेश्चन बन जाएंगे आपसे। ठीक है, अब इतना काम तो कर सकते हैं सब लोग। इसके आगे के क्वेश्चंस में बहुत ज्यादा दिमाग लगवाऊंगा आप लोगों से। ओके सर, टैक्स टैक्स एज अ परसेंटेज ऑफ सैलरी सब निकाल लिया, सब निकाल लिया। सारा निकाल लिया सबका, दोनों कॉलम, तीनों कॉलम कंप्लीट। यस सर, ये टेबल कंप्लीट करनी है। हाँ, पूरी।
क्यों? ये कम कैलकुलेशन वाला सेट है। इससे ज्यादा भी कैलकुलेशन वाले मिलते हैं। तो क्वेश्चन को टफ करने के दो ही तरीके होते हैं, या तो बहुत लॉजिकल या तो बहुत कैलकुलेटिव। हो गया ना? भी करो, मेहनत बिल्कुल करो। बिल्कुल हाँ, कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं अगर चाहो तो, कोई दिक्कत नहीं। सम तक ठीक है, बट परसेंटेज में पॉइंट्स वगैरह में जाएगा ना। ठीक है, मैं तो मेहनत नहीं करूंगा, आप लोग से पूछ के लिख लूंगा। काफी दिन बाद आ रहे हैं आप ना क्लास में, क्या हो गया? अच्छा, अभी आई। वो बी एच यू। हो गई वैल्यू सारी? चलिए बताइए मेरे को वैल्यूज, सैलरी बताइए टोटल एक एक करके। 26,000, 30,000, हाँ वो बोलने में कुछ और बोल रहे हो। 30,200 और 21,400, 25,000 पूरा। ओके चलो, ये हो गया। टैक्स सब कैलकुलेट कर लिया ना, तो कोई एक बोलेगा तो दूसरा देख लेना सही बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है ना। बताइए सब। 4,900 सही है। नेक्स्ट 5,400, 4,000, 4,800। चलो यहां तक तो मामला ठीक है। टैक्स एज ए परसेंटेज ऑफ सैलरी, मतलब दिस वैल्यू इज व्हाट परसेंटेज ऑफ द सैलरी, कौन सा सैलरी? टोटल। कहीं बेसिक नहीं लिखा हुआ है, इस बात पर ध्यान रखना, गलत हो जाता है जल्दबाजी में। तो ये देखना है कि 4,900 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल सैलरी, 26,000 जो इसका है एस वाले का, तो कितना परसेंट आ रहा है? 18.84। ठीक है, तो 18.84। ठीक, नेक्स्ट वाले का कितना? 17.88। सभी लोग सेम आ रहा है। नेक्स्ट 18.69%, और 19.20। तो अगर ये सब कुछ हो गया है, अब क्वेश्चन पर कुछ खास बचा नहीं है। क्वेश्चन देख लो क्या कह रहे हैं आपसे। व्हाट इज द सैलरी ऑफ वी, वी का सैलरी कितना है? ये है ना 25,000 पहला आंसर। ठीक, फिर व्हाट इज द टोटल टैक्स ऑन द सैलरी ऑफ एस, उसकी सैलरी पे टैक्स कितना आ रहा है भाई? फोर थाउजेंड नाइन हंड्रेड। ठीक है, 4,900 सब ऑप्शन में मैच कर रहा है अपना। द टोटल टैक्स ऑन वाइज सैलरी इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज ऑफ हिज सैलरी? 17.88 है अप्रोक्सीमेटली 18। चलो ये भी हो गया था। इफ नहीं, इफ नहीं, द डीए कंपोनेंट ऑफ एम सैलरी इज व्हाट परसेंटेज ऑफ द एचआरए कंपोनेंट ऑफ हिज सैलरी? बस थोड़ा सा कैलकुलेट होगा। ठीक है, तो किसकी बात कर रहे हैं? एम सैलरी। तो एम की अगर बात की जाए तो इसका डीए कितना है और एचआरए कितना है, जरा बस ये बताओ। तो फोर्टी एट है। अच्छा, आंसर 48 है। अच्छा चलो, ये 5,000 है, आंसर 48 है। ठीक है चलो, तो आपको जो पूछा है कि डीए इज व्हाट परसेंटेज ऑफ एचआर है, तो जो 2,400 है 5,000 का कितना परसेंट है? 48,000, 48% का सीधा सीधा दिख रहा है, तो 48 इसका आंसर हो जाएगा। फिर मैंने जो टैक्स वाला जो निकलवाया था, वो क्यों निकलवाया था? लास्ट क्वेश्चन के लिए था कि फॉर विच ऑफ द एम्प्लॉय द टैक्स एज अ परसेंटेज ऑफ सैलरी इज द हाईएस्ट। तो जब तक सबका निकालते नहीं तो पता नहीं चलता, वरना फिर पूरा सा टेबल बनाने की जरूरत नहीं थी। सिर्फ सिर्फ इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए पूरा टेबल बनाना पड़ा हमें। ठीक है, तो दिख ही रहा है सबको, तो आगे बढ़ा जाए सर। चलिए अब एक थोड़ा सा बेटर क्वेश्चन पहले यूज करेंगे, ये वाला है। देखो लाइन से नहीं है, पीपीटी पे आगे पीछे आपको शीट में मिल जाएगा क्वेश्चन।
बहुत ज्यादा बेहतरीन और बहुत लॉजिकल, बहुत अच्छा सेट। ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है ना, आपको सिर्फ इतना ही दिया हुआ है। एबीसी कॉलेज हैज जूनियर, सीनियर एंड पोस्ट ग्रेजुएशन सेक्शन, तीन सेक्शन हैं अपने पास। द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टडिंग इन द कॉलेज, उस कॉलेज में तीन ही सेक्शन हैं एंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज 1000। एक इनकम्प्लीट टेबल दिया हुआ है जिसमें ये बोलता है कि जो बॉयज हैं जूनियर सेक्शन में 450 बॉयज हैं, गर्ल्स कितनी नहीं पता, सीनियर सेक्शन में कौन कितना कितना है वो भी नहीं पता, पीजी में कितना कितना है वो भी नहीं पता, बट पीजी में एक बात पता है कि जो परसेंटेज है वो 10% है। किस चीज का 10% है और ये क्या चीज है 10%? टोटल का 10% है, बट ये 10% जो आएगा वो है क्या? बॉयज प्लस गर्ल्स मतलब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन पीजी, तो वो अपने पास आ जाएगा 100। ठीक है, क्लियर। अच्छा, फिर यहाँ पे भी परसेंटेज दिया हुआ है, इधर भी लिखा हुआ है। तो ये परसेंटेज जो है ये आपका सेक्शन वाइज है कि जूनियर सेक्शन में कितना परसेंटेज का मेंशन नहीं है, बट यहाँ जो भी आएगा वो जूनियर सेक्शन का है, यहाँ जो आएगा सीनियर सेक्शन का है, यहाँ जो भी आएगा वो पीजी वाले का। अब ये जो परसेंटेज लिखा हुआ है कि यहाँ अगर कोई वैल्यू आएगी तो किस बात के लिए है वो? बस बॉयज का परसेंटेज, तो वो सेक्शन वाइज है कि क्या है? टोटल। ओके, तो आपके पास जो है वो गर्ल्स है टोटल 40%, ऑब्वियसली 60% गर्ल्स हो जाएंगे, बॉयज हो जाएंगे, बस इतनी बातें हमें पता है। अब क्योंकि कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं है, ऑब्वियसली यहाँ पे जो क्वेश्चन होंगे कंडीशन वहां मिलेंगे। तो दो टाइप के क्वेश्चन होते हैं, एक कि पहले सारा डेटा क्वेश्चन में है और टेबल बनाओ, दूसरा इनकम्प्लीट डेटा और कंडीशंस क्वेश्चन में। तो ये क्वेश्चन थोड़े ज्यादा खतरनाक होते हैं, है ना, क्योंकि हर एक क्वेश्चन में नई नई बातें आएंगी आपके पास। तो एक बार पढ़ते हैं और क्वेश्चन का मतलब आप लोग मेरे को समझाएंगे पहले कहना क्या चाह रहा है, और फिर उसको देखते हैं कि कितना हम लोग दिमाग लगा पाते हैं। आप लोग पढ़ लो और मेरे को समझाओ कि कहना क्या चाह रहा है। हाँ, पहले मैं भी पढ़ देता हूँ एक बार, है ना। इफ द नंबर ऑफ बॉयज इन सीनियर एंड पीजी सेक्शंस कंबाइंड इज नॉट लेस देन द नंबर ऑफ गर्ल्स इन दीज टू सेक्शंस, नंबर ऑफ बॉयज जो है वो नंबर ऑफ गर्ल्स से कम नहीं है कंबाइंड अगर फाइंड किया जाए इन दो सेक्शंस में, सीनियर एंड पीजी सेक्शन में, क्लियर। Then what is the maximum possible number of students in the senior section? तो senior section में total number of students maximum कितने students हो सकते हैं? This is the question. Clear है? मैं समझाया नहीं कुछ, पर question पहले समझना है, फिर आप लोग मेरे को बताएं कि करना क्या है और क्या बातें आपको समझ में आ रही है। जो भी बात है वो पहली ही लाइन में है, उसको समझना अच्छे से। निकाल ले नहीं, मतलब निकाल करके अगर बताएं। हाँ, जो जो बातें क्लिक कर रही हूँ डिस्कस करिए, तो साथ में फिर डिस्कशन चलेगा तो ज्यादा अच्छा लगेगा। फिर तेज बोलो। टोटल हाँ ठीक है, चलो ये बात समझ में आ गई। टोटल 600 बॉयज हैं, यहाँ 450 हैं, तो इन दोनों में अगर कंबाइंड तरीके से देखा जाए कितने बॉयज हैं? 150 बॉयज है। चलो ये बात तो है अपने सामने, और बताओ। ये टोटल 100 है, वो इसका इसका सम 100 है, और यहाँ का कंबाइंड नंबर हमें पता नहीं है, यहाँ का कंबाइंड नंबर अभी हमें पता नहीं है। और इसने पूछा क्या है कि व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द सीनियर सेक्शन, तो सीनियर सेक्शन सेक्शन में जो टोटल आएगा वो मैक्सिमाइज करना है, मतलब एक से ज्यादा आंसर आ सकते हैं। क्यों
is the number of boys in seniors and PG sections combined is not less than the number of उससे कम नहीं है, ज्यादा भी हो सकता है। कम का मतलब ये नहीं कि 150 से ज्यादा ही होगा, 150 भी हो सकता है। क्या क्या क्लिक कर रहे हैं? ठीक है, तो एक में मिनिमाइज करेंगे तो दूसरा मैक्सिमम हो ही जाएगा, लेकिन उसके लिए सम पता होना चाहिए ना। जब दोनों का सम पता होगा तो एक को मिनिमाइज करोगे तो दूसरा ऑटोमेटिकली मैक्सिमाइज हो जाएगा, बट वी नीड सम। समझे बात को, सम तक कैसे पहुंचेंगे? क्वेश्चन समझ में आ रहा है सबको? कोई ऐसा इसको क्वेश्चन ही नहीं आ रहा है? कुछ कह रहे हैं अरे है सब लोग क्वेश्चन के बहुत आसपास, मतलब जो जो लॉजिक है उसके बहुत आसपास, बट उस पर वर्क नहीं कर पा रहे। चलो कोई बात नहीं, 150% नहीं भैया, उसका कोई यूज नहीं है परसेंटेज का। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में परसेंटेज से कोई लेना देना नहीं भाई। देखो एक बात है, आपको जो बोला है दोनों बातों का ध्यान रखो, एक तो जो गिवन है और जो पूछा है। पूछा है कि सीनियर में मैक्सिमाइज करना, और जो गिवन है वो ये है कि जो नंबर ऑफ बॉयज है इन दीज टू सेक्शंस इज नॉट लेस देन गर्ल्स वाला वैल्यू, इससे कम नहीं होना चाहिए, इससे ज्यादा हो सकता है या बराबर हो सकता है। तो एक बार बताओ कि अगर मुझे यहाँ पर वैल्यू रखनी है इन दोनों की कंबाइंड वैल्यू, लेट्स से एक्स है, ठीक है, मान लो एक्स की वैल्यू आ गई 100, थोड़ी देर के लिए सोचो, मान लो एक्स की वैल्यू आ गई 100, कि एक्स की वैल्यू अगर 100 आ गई तो मैं क्या बोल पाऊंगी कि कंबाइंड टाइप रूप से मेरे पास सीनियर और पीजी में टोटल कितने बच्चे हो गए? 250, उसमें से 100 बच्चे तो यहाँ है, तब 150 यहाँ जाएंगे, तब 150 यहाँ जाएंगे। समझ गए बात को? अब आप सोचो कि अगर मैं यहाँ पे 90 कर देता तो यहाँ क्या 150 से ज्यादा आ जाते, क्या कम आते? तो जब सीनियर सेक्शन में जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है वो मैक्सिमम कब होएगा? व्हेन दिस एक्स इज मैक्सिमम, व्हेन दिस एक्स इज मैक्सिमम, एक्स की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? दिस नंबर शुड नॉट बी लेस देन दिस वैल्यू, ये नंबर कम नहीं होना चाहिए, 150 इज द मैक्सिमम वैल्यू। सब लोग बोले लेकिन इसका यूज नहीं करते। यही तो बोला था लेकिन आप उसके बाद की बात नहीं हुई ना आपसे, नहीं समझे। मैं तो बोल ही रहा हूं आप लोग पास में हो एकदम उसके, बट यूज नहीं कर पाए उसको। भाई देखो ये वैल्यू इससे कम नहीं होनी चाहिए, ये वैल्यू या तो बराबर हो या तो इससे ज्यादा हो। अगर 150 को ज्यादा बनाओगे तो इधर की वैल्यू 150 से कम हो जाएगी, और 150 से कम अगर हो गया तो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नहीं निकाल पाएगा आप। मैंने बोला ना कि इधर एक्स की वैल्यू अगर ज्यादा ज्यादा होगी तभी पीजी सेक्शन में ज्यादा ज्यादा बच्चे आएंगे। तो आप यहाँ पे 150 रख सकते हो, यहाँ 150 रख सकते हो, क्या यहाँ 150 से ज्यादा रख सकते हो? मान लो यहाँ 151 रख दिया तो क्या हो जाएगा कि अली वैल्यू जो है ये इससे कम हो गई। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? यहाँ की वैल्यू इससे कम नहीं होनी चाहिए, ये तो बोला है। क्लियर है? क्लियर है सभी को? लास्ट में अक्षय, क्लियर? क्लियर अच्छे से? तो अगर मेरे पास 150 बच्चे इधर हैं, 150 बच्चे इधर हैं, टोटल दोनों सेक्शंस में मिला करके कितने हो गए? 300 से ज्यादा नहीं हो सकते, 300 से कम हो सकते हैं, क्योंकि जो बात बोला है इसने ना कि ये वैल्यू कम नहीं हो सकती बट इसके बराबर हो सकती है या ज्यादा हो सकती है। तो ज्यादा बनाने के लिए फिर ये कम हो जाएगा, और जैसे इसको कम करोगे तो 300 से कम बच्चे हो जाएंगे, और यहाँ का नंबर तो फिक्स है 100, तो जितने बचेंगे वो ऊपर वाले में चले जाएंगे। तो मैं मैक्सिमम 300 बच्चे रख सकता हूँ, 100 इसमें आ गए तो 200
इसमें आ जाएंगे। तो यहाँ पर सीनियर सेक्शन में मैक्सिमम 200 बच्चे हो सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं करा सकता मैं, बट इससे कम भले करा सकता। समझ गया मेरी बात? किसी को कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, एक बार और बता दिया, समझ गए? ठीक है, आपने 150 बोला था, लेकिन वो जिस सेंस में बात हो रही थी वो अच्छा ठीक है, जो भी मैं मतलब फिर मैं समझ नहीं पाऊंगा उस टाइम पे एग्जैक्टली क्या बात हो रही है। चलो क्लियर है सभी को? कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, एक बार और बता दीजिए। बता दूं कहां पे अटके हैं बताओ? देखो आपसे बोलता है कि दिस वैल्यू कंबाइंड वैल्यू, जो कंबाइंड वैल्यू ऑफ बॉयज मतलब बॉयज की है इन दोनों सेक्शंस में, दिस वैल्यू शुड नॉट बी लेस देन दिस वैल्यू, दूसरी वैल्यू से कम नहीं होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे 151 कर दूं तो यहाँ क्या हो जाएगा? वो वैल्यू कम हो जाएगी, बॉयज की वैल्यू कम हो जाएगी। क्वेश्चन क्या करे कि यहाँ की वैल्यू कम नहीं होनी चाहिए, तो अगर आप यहाँ 151 रखोगे तो कंडीशन गलत हो गई ना। तो क्या यहाँ 151 या उससे बड़ी वैल्यू रख सकते हो? तो सबसे बड़ी वैल्यू क्या रख सकते हो? सबसे बड़ी वैल्यू 150 ही रख सकते हो, उससे कम रख सकते हो तभी सेटिस्फाई करेगा, बट सबसे बड़ी वैल्यू क्या रख सकते हो? 150। तो जैसे 150 रखोगे तो क्या हो जाएगा? दोनों का सम 300 हो जाएगा, 300 में से 100 बच्चे पीजी में चले गए, 200 बच्चे सीनियर सेक्शन में चले जाएंगे, आंसर हो जाएगा। क्लियर सभी को? क्लियर अच्छे से? चलो नेक्स्ट पर आते हैं, पढ़ो जरा अच्छे से। If the ratio of boys to girls in the junior section is 1/3 to that of in the other two sections combined, then the ratio of boys to girls in PG sections section cannot be, कौन सा नहीं हो सकता? मतलब कुछ पॉसिबल है, एक कोई केस पॉसिबल नहीं है उसके उसको पता करो। तो पहले जो केस दिया हुआ है, जो कंडीशन दिया हुआ है, उस कंडीशन को फुलफिल कराओ, उसके बाद भी आंसर आ जाए थोड़ा मुश्किल है ना। तो पहले कंडीशन को फुलफिल करो, देखो कि हम लोग उससे उसके थ्रू क्या पता कर सकते हैं। ठीक है, किस चीज के रेशियो की बात कर रहे हैं? बॉयज टू गर्ल्स। तो बॉयज टू गर्ल्स की रेशियो की बात करता है, और ये बोलता है कि जो जूनियर सेक्शन में जो रेशियो है दैट इज 1/3, जो कि अदर टू सेक्शंस में है। तो मतलब अगर मैं जूनियर वाला लिखूं ये रेशियो, और अदर टू सेक्शंस का सीनियर प्लस पीजी का अगर लिखूं, तो दिस शुड बी 1/3। बट ये जूनियर वाले में क्या लिखना? रेशियो लिखना, मतलब फ्रैक्शन है ना। यहाँ पे क्या लिखोगे? उसका भी फ्रैक्शन ही लिखोगे वैल्यू। क्लियर है? तो अगर नहीं, थोड़ा बहुत आप लोग बताओ थोड़ा बहुत आप लोग बताओ, मैं अभी बता ही देता आप लोग को, कुछ बताओ क्या करना चाहिए। अगर आपसे बोलता है रेशियो पता करना है, तो मुझको एक बार बताओ, जूनियर सेक्शन में नंबर बॉयज पता है, नंबर ऑफ गर्ल्स पता है क्या? थोड़ी देर के लिए मान लो एक्स गर्ल्स। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूं ये रेशियो जूनियर के लिए, तो बॉयज टू गर्ल्स है ना, तो क्या मैं 450/x लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ। अच्छा, अब हम लोग को लगता है कि ये पता नहीं, ये पता नहीं, उसने कंबाइंड तरीके से पूछे आपसे। तो अगर ये एक्स है तो ये कंबाइंड वैल्यू क्या हो जाएगी है ना, 400-x, और ये कंबाइंड वैल्यू कितनी है? ये 150 है। तो सीनियर प्लस पीजी में एक साथ बता सकते हैं कि नहीं बता सकते? बता सकते हैं। तो बॉयज टू गर्ल्स ही तो लिखना है, तो बॉयज के लिए वैल्यू क्या है? 150/, गर्ल्स वाली वैल्यू, एंड दिस वैल्यू शुड बी व्हाट? 1/3। सॉल्व करके एक्स की वैल्यू आ जाएगी। पहले पता कर लो, फिर आगे बात करते हैं। सिक्सटी आ रहा है, बाकी लोग बताएं एक्स की वैल्यू।
360 उधर भी 360 आ रहा है, ठीक है तो थोड़ा कॉन्फिडेंट ही बोला करो उसको। बाकी लोग एक्स की वैल्यू निकालनी खाली सॉल्व कर लें 360, ओके तो काफी लोगों का आ रहा है। तो अगर x की वैल्यू 360 आ रही है तो मैं यहाँ पर इसको 360 लिख दे रहा हूं और यहाँ पे जो कंबाइंड वैल्यू है दैट इज 40, ठीक है 360 आ रहा सभी का, सब बोल भी नहीं रहा अभी सबका आया नहीं है, कॉपी पे देखूं सबके, सॉल्व करना है ये पका पका नहीं लिखना है सबको, 360 आ रहा ना। चलो अब ये वैल्यू आ गई मेरे पास, सिर्फ एक्स की वैल्यू आ गई, मतलब ये पता चल गया कि गर्ल्स कितनी है जूनियर सेक्शन में और सीनियर और पीजी सेक्शन में कंबाइंड नंबर कितना है, बट क्वेश्चन कुछ और है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो पीजी सेक्शन, सर ऑप्शन बी है क्या आंसर? ऑप्शन बी, व्हाई शिवानी? सर सारे रेशियो 3:2 के आसपास आ रहे हैं बट 17:3 नहीं आ रहा है तो मे बी। आपकी वॉइस बहुत क्लियर नहीं है वैसे तो फिलहाल, अभी देखते हैं एक बार, थोड़ा सा वेट कर लो। अभी जो है ना मेरे पास ये वैल्यू कंबाइंड वैल्यू है 40 और जूनियर सेक्शन में एग्जैक्टली पता चल गया 360। जो क्वेश्चन था वो ये है कि इनमें से कौन सी ऐसी वैल्यू है जो बॉयज टू गर्ल्स का जो रेशियो है वो पीजी सेक्शन में नहीं हो सकता, पीजी सेक्शन में नहीं हो सकता, समझ गए बात को? तो मुझे सिर्फ पीजी सेक्शन के लिए देखना है ये कैसे इस बात तक पहुंच सकते हैं, आप लोग बताइए। मैंने बोला था ना एक्स की वैल्यू आ भी जाए तो भी हम आंसर कर पाए ऐसा जरूरी नहीं है, ये क्वेश्चन टू स्टेप्स आगे था अपने से, एक तो एक्स पता करना है और दूसरे स्टेप पे आना तब आंसर आएगा। इनमें से कुछ वैल्यूज, चार वैल्यूज पॉसिबल है, एक नहीं है, कौन सी नहीं है, क्यों नहीं है? ठीक है तो बताइए। ये मत देखना कि ये वैल्यू छोटी है ये वैल्यू बड़ी है, ये रीजन नहीं दे पाओगे आप यहाँ पे। क्या हो गया पंडित नवीन, आपके भी हाथ में चोट का निशान है, इनके भी लगे साथ में गिरे थे? अच्छा एक साल पहले। भाई पीजी में तो 100 है, अगर हम चाहेंगे तो इन सारे रेशियो को 100 में ब्रेक कर सकते हैं, तो सिर्फ इस वजह से तो नहीं बोल सकते कि हम ब्रेक नहीं कर पा रहे हैं इसलिए आंसर नहीं होएगा, वैल्यूज पे फोकस करना पड़ेगा, सिंपल सा है, ज्यादा कुछ है नहीं वैसे तो। देखो मैं बताता हूँ, हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। आपको एक बात पता है कि भाई सीनियर सेक्शन और पीजी सेक्शन दोनों अगर मिला लिए जाए तो नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी? 40। तो भाई ज्यादा ज्यादा ये हो सकता है कि सीनियर सेक्शन में कोई भी गर्ल ना हो, तो पीजी सेक्शन में 40 से ज्यादा गर्ल्स हो सकती हैं? नहीं हो सकती। तो जरा एक बार इस पर फोकस करो, इसको ब्रेक करो, 100 को 11:9 में ब्रेक करो, है ना? 100 को अगर 11:9 में ब्रेक करूंगा तो एक तरफ 55 आएगा एक तरफ, तो भाई जब दोनों जगह मिला करके 40 है तो 45 का आंसर है, बाकी सब में देखोगे तो नंबर ऑफ गर्ल्स 40 से कम ही आएगा। हाँ 45 आ जाएगा, बस यही था कारण। तो हम लोग जरा सा दूर है अपने आंसर से, बट ये दूरी जरा सी ही हो चाहे बहुत दूरी हो, नहीं आएगा तो सबको नहीं आया, पर समझे, क्लियर है सभी को? कोई ऐसी बात जो नहीं आई, क्वेश्चन बहुत टफ नहीं है, बट छोटी छोटी बातें जहां पर लोग अटकते हैं ये पूरा सेट अटक जाएगा। कोई डाउट किसी को? अच्छा कोई बोलता ही नहीं है, क्लियर है? यस और नो? हाँ आप ये भी पढ़ लो अच्छे से, क्या कह रहा है क्वेश्चन? इन द मंथ ऑफ दिसंबर द कॉलेज ऑर्गेनाइजेस अ स्पोर्ट इवेंट, 10% ऑफ द बॉयज फ्रॉम द सीनियर सेक्शन, तो 10% मैं मेंशन कर देता हूं यहां पर, 10% ऑफ द बॉयज फ्रॉम सीनियर सेक्शन
and 20% of the girls from junior section. 20% of the girls from junior section participate in the event. जो स्पोर्ट्स इवेंट हुआ है उसमें ये लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं. ठीक. इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इन द सीनियर सेक्शन इज 90, दिस वैल्यू इज, यहां आप इसको जबरदस्ती यूज करना है. एंड इफ एन स्टैंड्स फॉर द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इन द स्पोर्ट इवेंट, और जो स्पोर्ट इवेंट है उसमें टोटल मेरे पास आ रहा है एन, तो एन इज व्हाट, ये 10% प्लस 20% का सम. क्लियर, क्लियर है. ये बोलता है आपसे देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, और स्टेटमेंट में जो है एन के लिए कुछ वैल्यू दे रखा है, एक मैक्सिमा एक मिनिमा, एन के लिए रेंज दे रखा है, मतलब जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं स्पोर्टिंग स्पोर्ट इवेंट में वो कोई फिक्स नंबर नहीं है, फिक्स नंबर नहीं. एक से ज्यादा आंसर आएगा, एक सर्टन वैल्यू के नीचे नहीं हो सकता और एक सर्टन वैल्यू के ऊपर नहीं हो सकता. तो मिनिमम मैक्सिमम पता चल जाएगा तो ऑटोमेटिकली रेंज पता चल जाएगा. आई होप सब लोग समझ रहे हैं मेरी बात, क्लियर है. तो इस बात तक कैसे पहुंचोगे. सीनियर सेक्शन का है 10% लिखा है साफ साफ, 10% ऑफ द बॉयज फ्रॉम सीनियर सेक्शन. फर्स्ट क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं, अलग अलग क्वेश्चन से अलग अलग कंडीशन से, जो कॉमन डेटा होता है सिर्फ उसी को सब सारे क्वेश्चन में यूज करता है. क्या क्लिक कर रहे भाई, ऑब्वियसली आपको मैक्सिमाइज करना है मिनिमाइज करना है, तो आप किसी एक साइड से स्टार्ट करोगे, या तो बॉयज की साइड से या तो गर्ल्स की साइड से, तब उन बातों को आप सॉल्व कर पाओगे. तो अगर मुझे किसी तरीके से ये पता करना है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है जो पार्टिसिपेट कर रही हैं, तो मुझे इस वैल्यू को मैक्सिमाइज करना पड़ेगा. ये वैल्यू को अगर आप मैक्सिमाइज करोगे, आपको पता है टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स आर 400, तो ये वैल्यू को मैक्सिमाइज करना है जिसमें से ये वैल्यू फिक्स्ड है. यहाँ पे ये जो 400 है वो सम है इसका, इसका और इसका, ये वैल्यू फिक्स्ड है. इसको मैक्सिमाइज करोगे तो इसको क्या करना पड़ेगा, इसको मिनिमाइज, इसको मिनिमम कितने रख सकते हो. अगर इसको जीरो रख दोगे तो इधर आ जाएगा 100. वाई, बिकॉज सम इज 100. समझे, समझे सभी लोग. yes, कोई डाउट है. तो यहां से अगर जीरो हो गया 90 हो गया तो कितना जाएगा, मतलब यहाँ पे थे 310, तो ये 310 का पता करोगे 20%. समझ गए, तो वो आ जाएगा 62 आ जाएगा गर्ल्स के लिए. अच्छा यहाँ पे थे टोटल 600, 450 यहाँ है, 100 यहाँ आ गए, तो यहाँ कितने आ गए 50 आ जाएगा. तो आप 50 का 10% पता करिएगा, 5 62 प्लस 5 67, एक एक लिमिट आ गई. चाहिए अब या तो हाईएस्ट वाली होगी या तो लोएस्ट वाली होगी, दिमाग आप लोग लगाओ थोड़ा को. समझ गए बात को, क्या किया मैंने आपको फोकस. जानते हो क्वेश्चन है बड़ा अच्छा, रीजन उसका यह है कि आपको मैक्सिमम मिनिमम पता है. जैसे आपने बोला एक को मैक्सिमाइज करो तो दूसरा मिनिमाइज हो जाता है, बट यहाँ वो बात दिख नहीं रही थी. क्यों, क्योंकि वो जो वैल्यू है वो तीसरी वैल्यू से आ रही है ना. तो जब आपको पता है कि यहाँ का वैल्यू इज 100, तो अगर मैं ये वैल्यू फिक्स है और इन तीनों का सम मुझे लाना है कितना 400, तो इन दोनों का सम जो भी होगा ये वैल्यू तब मैक्सिमाइज होगी जब ये मिनिमाइज हो. तो एक केस ले लिया मिनिमम का और एक केस ले लिया जब इसको मैक्सिमाइज करेंगे. समझ गया बात को. तो एक केस में 67 आ रहे हैं, एक केस में 67 आ रहा है.
अब दूसरा केस ले लेते हैं भाई, दूसरा केस यहाँ पे 90 तो है ही है। अब मैं अगर इसको यहाँ पे सारे के सारे 100 यहाँ पे रख दू, है ना, अगर 100 रख दू तो यहाँ पे कितने बच गए मेरे पास, 400 थे टोटल, 210। अब यहाँ पे मेरे पास 210 बचे। अच्छा तो फिर यहाँ जीरो हो जाएगा, यहाँ पे 450 है, यहाँ जीरो, तो यहाँ पे और यहाँ 10% ही पार्टिसिपेट करते थे, तो इसका 20% इसका उल्टा, मतलब इसका 20% ये 210 है ना, तो 210 का 20% 42 और इसका 10% 15, कितना आ गया, तो एक रेंज, एक लिमिट आ रही है 57, एक आ रही है 67, तो n की जो वैल्यू है 57 से लेकर के कुछ भी हो सकती है, यहां तक दोनों इंक्लूडेड हैं, ऑप्शन देख सकते हैं, आंसर आ जाएगा। समझे मेरी बात को? तो जब भी सम फिक्स्ड है, दो वैल्यूज या तीन वैल्यूज से कुछ भी हो, तो उसमें से अगर कोई एक वैल्यू पता है तो फाइनली क्या हुआ कि दो वैल्यूज का सम फिक्स्ड है मेरे पास, एक को मिनिमाइज करोगे तो दूसरा, और ये मैक्सिमा मिनिमा को लेकर के एवरी ईयर एक क्वेश्चन मिलता है, किस टाइप का क्वेश्चन आएगा वो नहीं बोल सकता मैं, बट मैक्सिमा मिनिमा का कॉन्सेप्ट को यूज करके आएगा जरूर, ये तो श्योर है, आता ही है एवरी टाइम, क्लियर है सभी? सर वो मैक्सिमम वाला केस फिर से बता दीजिए, क्योंकि मेरा मिनिमम तो आ गया था। कोई बात नहीं, देखो बात ये है ना कि इस क्वेश्चन में बस एक ही बात इसने दिया, एक हिंट दे दिया कि सीनियर सेक्शन में 90 गर्ल्स, अगर ये नहीं होता तो मैं कर ही नहीं पाता। इसने जैसे ये दे दिया तो मुझको एक बात पता चल गई कि 400 गर्ल्स हैं, तो यहाँ पे और यहाँ पे 310 गर्ल्स आएंगी टोटल, है ना, ये सेक्शन में और ये सेक्शन में टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स 310 ही आएंगे, तो श्योर है। अब यहाँ पे गर्ल्स ज्यादा से ज्यादा कब जाएंगी, जब यहाँ पे कम से कम होएंगी, तो कम से कम यहाँ क्या हो सकती है, जीरो, तो सभी 310 यहाँ चली आएंगे, तो इसका 20% पता करेगा। अच्छा इसी से इधर का भी डेटा कनेक्टेड है, इधर जीरो करोगे तो इधर 100 हो जाएगा और यहाँ पे 50 आ जाएगा, तो आपको वाला केस भी पता चल जाएगा। समझ गए बात को? कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है, एक बार और बता दो। नो सर। गुड, आगे बढ़ा जाए, क्लियर है अच्छे से? और ना चलो, इन द मंथ ऑफ अप्रैल एग्जाम्स वर कंडक्टेड, द नंबर ऑफ बॉयज हु पास द एग्जाम एक्सीड द नंबर ऑफ गर्ल्स हु पास द एग्जाम बाई 60। बॉयज ज्यादा है, ये वो वाले जो पास हुए हैं, एक्स परसेंट ऑफ द बॉयज पास द एग्जाम, एंड एक्स प्लस 15% ऑफ द गर्ल्स पास द एग्जाम। ठीक है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स इन ऑल फेल्ड द एग्जाम, कितने फेल हुए, इजी क्वेश्चन, ये पूरे सेट का सबसे आसान क्वेश्चन देखता, बाकी तीन क्वेश्चन अलग हैं, ये बड़ा आसान हो गया। इसमें ये भी कहीं मेंशन था कि एक सेक्शन में हम जीरो रख सकते हैं, तो मेंशन तो खुद कुछ नहीं करेंगे, तो आज हम हमें देखना पड़ेगा कि क्या क्या पॉसिबल है। अब जीरो नहीं ले रहे, देखो बात ये ना कि अगर कुछ मेंशन नहीं है तो जो भी पॉसिबिलिटीज है तो सारी पॉसिबिलिटीज लेनी पड़ेंगे ना, तो ऐसा भी होता है, कई बॉयज स्कूल भी होते हैं, है ना, ठीक है, क्या किया बताओ, इक्वेशन ये ज्यादा कुछ करना नहीं है भाई, एक्स परसेंट किसका है, 400 का वैल्यू है ना, सॉरी 600 यहाँ 600 यहाँ 400, ठीक है, तो आप लिखो 600 का x परसेंट, तो 600 इंटू एक्स अपॉन 100, यही तो करिएगा, माइनस 400 का, है ना, 400 का कितना चाहिए आपको, x प्लस 15, है ना, इतना करिएगा, परसेंटेज तो ऐसे लिखते हो, है ना,
और इसका सम इक्वल्स टू मतलब डिफरेंस इक्वल्स टू 60, सॉल्व कर लो, एक्स की वैल्यू पता चल जाएगी, क्लियर है। और जैसे ही पता चल जाएगा एक्स की वैल्यू क्या है, तो आपको पता चलेगा कितने कितने परसेंट बच्चे पास हुए हैं और कितने नहीं फेल हुए, वो भी पता चल जाएगा। तो पहले एक्स की वैल्यू बताए 60, बाकी लोग भी बताए 60, गुड। और आंसर एक्स की वैल्यू क्या है, पक्का कॉपी पे है, है? हाँ चलिए, तो यहां से जब सॉल्व करेंगे तो एक्स की वैल्यू आ रही है 60, तो मतलब यहाँ पे 60% बच्चे पास हैं, यहाँ 75% बच्चे पास हैं, यहाँ 40% फेल हैं, और यहाँ पर तो 40% मतलब 600 का, तो 240 बच्चे इधर से फेल हो गए और 25% बच्चे इधर से फेल हो गए, 25 1/4 होता है, तो 100 स्टूडेंट्स इधर से फेल हो गए, टोटल कितना हो गया 340, वो अपना आंसर हो जाएगा। क्लियर, कोई कंफ्यूजन? गुड। अब मैं आपको एक सेट दूंगा जो अभी तक के सेट से बिल्कुल भी डिफरेंट है, आपको जो इन्फॉर्मेशन दी जा रही है उन इन्फॉर्मेशन को बहुत अच्छे से दिमाग में बिठाना पड़ेगा, अगर एक बात भी छूटी ये सेट नहीं बना सकता, है ना। तो बहुत अच्छे से दिमाग में बैठा लो और क्या क्या बातें हो सकती हैं, मींस कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, उन पॉसिबिलिटीज के बारे में सोचना पड़ेगा। और इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी ज्यादा है, पहले ये स्लाइड पढ़ लो और मेरे से डिस्कस करो, फिर मैं कुछ क्रॉस क्वेश्चन करूंगा आपसे। ये कैट में आ चुका है एंड वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन एवर अभी तक का। सिर्फ इस स्लाइड का डेटा पढ़ेंगे, इतना पहले से डिस्कस करेंगे मेरे से, फिर आगे हम लोग और बात करेंगे आपसे। पढ़ लिया, सॉल्व बाद में करेंगे, पहले पढ़ना इंपॉर्टेंट है, पढ़ करके क्या क्या बातें समझ में आई हैं वो आप लोग मेरे से डिस्कस करो और फिर जो मैं पूछूंगा उसका आंसर करो। कौन बताएगा क्या क्या गिवन है, और जब बताना है तब आपको पढ़ना नहीं है, तब बताना है खाली, इस बात को ध्यान रखिएगा। बता पाएंगे? पहले देख लो, अच्छे से देख लो, बिल्कुल दिमाग में चाहिए, क्योंकि मैं बार बार स्लाइड चेंज तो नहीं करूंगा, करना भी नहीं चाहिए। जब सॉल्व करने बैठे तो बिल्कुल एकदम जैसे रट जाती चीजें ऐसे दिमाग में बैठ जाना चाहिए, वरना ये नहीं बनेंगे। पढ़ लिया अच्छे से, बता पाएंगे? थोड़ा बहुत नहीं बता पाएंगे पूरा बात? चलो थोड़ा तेज बोलना, सब ध्यान से सुनेंगे, इन केस ऐसा कुछ मिस होता है या आपका कुछ क्वेश्चन हो तो इनसे आप पूछ सकते हो। बोलिए। क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि देयर आर टू ट्रेडर्स, हाँ, एंड माइकल, ठीक है। स्टार्ट ऑफ द डे जब उनके पास सेम नंबर ऑफ शेयर्स है और उन दोनों को सेम अमाउंट, ओके, एट द बिगनिंग दोनों के पास जो अमाउंट है वो सेम है एंड नंबर ऑफ शेयर्स भी सेम है। एक बात और शायद मेंशन है कि दे हैव सफिशिएंट अमाउंट, कुछ ऐसा मेंशन है, मतलब कि अगर उन्हें कुछ खरीदना पड़े तो उनके पास पैसे कम नहीं पड़ने वाले, सफिशिएंट अमाउंट है, जब भी खरीदारी करनी है तो शेयर्स खरीद सकते हैं या बेचने हैं तो आराम से बेच सकते हैं। समझ गए बात को? हाँ,
सफिशियंट अमाउंट, वो लोग एमसीएस के शेयर्स में ट्रेड करना शुरू करते हैं और वो ये ट्रेडिंग 5 डेज पर करते हैं। 5 डेज ठीक है, सैटरडे संडे ऑफ रहता है वैसे भी। हाँ। पहले डे से या तो फिक्स डेट है, या तो शेयर का प्राइस 10 रुपए ऊपर जा सकता है या तो 10 रुपए कम आ सकता है। 10 रुपए बढ़ता घटता है। और कोई दूसरा अमाउंट? कोई दूसरा अमाउंट? अच्छा ठीक है। व्हाट इज द स्टार्टिंग प्राइस, ओपनिंग प्राइस? तो ओपनिंग प्राइस 100 है, मतलब डे स्टार्ट हुआ मंडे, तो 100 से स्टार्ट हुआ, बट एट द एंड ऑफ द मंडे तो वैल्यू क्या हो सकती है? या तो 90 या तो 110 हो सकती है। बात समझ गए? अगले दिन फिर 10 बढ़ेगा 10 घटेगा, कुछ ऐसा ही है। फिर ठीक है, स्टार्टिंग ओपनिंग प्राइस 110 एंड क्लोजिंग प्राइस जो फ्राइडे फिफ्थ डे जो है, फ्राइडे जबरदस्ती बोलते जो फिफ्थ डे है ना, उस दिन जो क्लोजिंग प्राइस है वो 110 है। इसका क्या मतलब है? कितनी बार इंक्रीज और कितनी बार डिक्रीज? भाई 100 से 110 में खत्म कर रहे हैं, दो बार डिक्रीज होएगा और एक बार इंक्रीज, 5 दिन है भैया। 3 बार इंक्रीज होगा और 2 बार डिक्रीज। देखो 2 इंक्रीज और 2 डिक्रीज बैलेंस कर देंगे, 1 एक्स्ट्रा सही है। तभी तो एक बात ये श्योर हो गई कि जो कोई भी कंडीशन हो एवरी टाइम देयर विल बी 3 इंक्रीज एंड 2 डिक्रीज, तभी हम 110 पे एंड कर पाएंगे। एंड ये जो इंक्रीज डिक्रीज की बात हो रही है ये किसी भी ऑर्डर में हो सकती है। वी हैव 3 इंक्रीज एंड 2 डिक्रीज, इफ आई आस्क यू हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज आर देयर, कितनी पॉसिबिलिटीज बनेंगी आप बता पाएंगे? 6 नहीं 10 बनेंगे, बिकॉज 3 आइडेंटिकल और उधर से 2 आइडेंटिकल, उनका जब आप अरेंजमेंट करिएगा ना तो वो हो जाता है कि 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 का सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा। उसकी जरूरत नहीं है, अभी पीएनसी लगाने की जरूरत नहीं है, मतलब अगर पता है तो यूज कर सकते हैं। 10 पॉसिबिलिटीज बनेंगे, ये मैं बता देता हूँ, अभी बनवा भी दूंगा आपको, उसका इश्यू नहीं। तो टोटल अगर पॉसिबिलिटीज बनाई जाए तो 10 बनेंगी। अगर आप बना पाएंगे तो थोड़ा आसान हो जाएगा, और ये जरूरी नहीं कि अगर नहीं बना पाए तो नहीं बनेगा, तब थोड़ा सा हमें अलर्ट रहना पड़ता है, कोई बात छूटे नहीं, इस बात को हमें ध्यान में रखना पड़ता है, ठीक है? और बना लेंगे तो फिर कोई बात तो छूट ही नहीं सकती आपसे, क्योंकि सारी बातें लिखी हुई हैं। तो सॉल्व हम दोनों तरीके से कर सकते हैं, डिपेंड करता है आप उस टाइम पे कितना अवेयर हो जो चीजें दी गई हैं उनको लेकर के। यहां तक मामला क्लियर है? फर्स्ट स्लाइड पे इससे ज्यादा कुछ है क्या? क्या है? अच्छा ये 2 बातें हैं, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें हैं यहाँ पे, कि चेतन कैसे ट्रेडिंग करते हैं और माइकल कैसे ट्रेडिंग करते हैं, ये बात आपको दिया हुआ है। चेतन के लिए बताइए। सर अगर प्राइस किसी भी दिन ऊपर जाता है, हाँ, चेतन का शेयर खरीदता है, और किसी भी दिन अगर प्राइस कम होता है, चेतन अपने शेयर खरीदता है। व्हाट डज इट मीन, इसका इनडायरेक्ट मतलब क्या हुआ? अगर मतलब प्राइस ऊपर जा रही है, हाँ, तो वो बेच देगा, प्रॉफिट उससे कमाना चाह रहा है, और जब वो क्या कहते हैं प्राइस कम हो रही है ये तो सिंपल सा मतलब हो गया इसका। क्या एडिशनल बातें से पता कर पा रहे? क्या एडिशनल बातें चेतन के बारे में पता कर पा रहे? फर्स्ट चेतन डेली ट्रेडिंग करता है, क्योंकि डेली प्राइस बढ़ने घटने डेली ट्रेडिंग करेगा। दूसरी बात, चेतन के पास इनिशियली जितने भी शेयर हैं एट द एंड ऑफ डे फिफ्थ, उसके पास जो नंबर ऑफ शेयर्स होंगे वो बढ़ेंगे या घटेंगे? क्यों बढ़ेंगे भाई? तो जब बढ़ता है तो बेचता है, बेचने पे शेयर्स, हाँ। इन बातों को पहले से दिमाग में रखना है, बाद में नहीं आएगा कुछ स्ट्राइक करेगा, जब पढ़ रहे उस टाइम पर आपको पता है कि तेरा 3 इंक्रीज, 3 बार इंक्रीज हो रहा है 2 बार, तो भाई 3 बार वो बेचेगा 2 बार खरीदेगा, इसके थ्रू होगा क्या? चेतन के पास 10 शेयर्स कम हो जाएंगे इनिशियली जितने थे उसके पास। अमाउंट पे क्या इफेक्ट आएगा जो चेतन के पास था? कितना बढ़ जाएगा? क्या कोई फिक्स्ड वैल्यू आएगी कि अलग अलग हो सकती है?
एक काम करो, सब लोग एक दूसरे का मत देखना, कोई रैंडम ऑर्डर जो आपके दिमाग में क्लिक करता हो, दो, कोई दो ऑर्डर जिसमें तीन इंक्रीज हो और दो, किसी भी ऑर्डर में ये पांच वैल्यूज लो। 100 रुपए इनिशियली था, तो पांचों दिन पर क्या क्या प्राइस हो सकते हैं इंक्रीज और डिक्रीज के अकॉर्डिंग, और देखो चेतन के पास अमाउंट में कितना डिफरेंस आ रहा है। मेरी बात नहीं समझोगे? जैसे मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे अगर 5 दिन है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, तो अगर भाई जैसे एक ऑर्डर है कि लगातार 3 बार बढ़ गया, लगातार 2 बार घट गया, ये मैंने ये कर दिया, आप देख सकते हो कि ये ऑर्डर कुछ भी बना लो आप, भाई हो सकता है पहले डिक्रीज कर लो, लेकिन ध्यान रखना कि 3 बार इंक्रीज 2 बार डिक्रीज ही रखना, ये ध्यान रखना। तो अगर सपोज मैंने ये एक ऑर्डर बनाया, मैं बता देता हूँ कर क्या रहा हूँ, तो पहले दिन एंडिंग प्राइस क्या हो जाएगा, क्लोजिंग प्राइस 110, 120, 130, 120, आगे 110 पे। तो अब आप सोचो कि जैसे मैं एक केस दे रहा हूं, अगर यहां बेचेगा, यहां सेल करेगा, यहां सेल करेगा, 3 केसेस में सेल करेगा, सेल करेगा तो पैसा आएगा, सेल करेगा तो पैसा आएगा और खरीदेगा तो पैसा, तो वो 3 केसेस में सेल करेगा और ये 2 केसेस में, तो उसके पास कुछ अमाउंट था, एक सर्टेन अमाउंट था, मुझे नहीं पता। यहाँ पे क्या किया उसने, बेचा है, ठीक है, कितने शेयर्स, 10, तो 1100 रुपए यहाँ से आए, यहाँ से 1100 रुपए आए, यही तो बोलोगे, यहाँ से कितने आए, यहाँ से कितने आए, यहाँ से कितने गए, तो माइनस कर देता हूँ, यहाँ से कितने गए, तो एट द एंड ऑफ द डे, एट द एंड ऑफ द 5th डे उसके पास कितना एक्स्ट्रा अमाउंट है, इस केस में 1300 है। कोई दूसरा केस बना के दे, अब बताओ सभी लोग, कोई 2 केस बनाओ, एक मैंने बना दिया, समझ गया क्या करना है, अभी मैं क्वेश्चन की तरफ नहीं गया, ये मैं अपनी तरफ से बता रहा हूं, जब मैं क्वेश्चन सॉल्व कर, मैं अपनी बात कर रहा हूं, इतना सोचता हूं पहले और इतना काम करता हूं, तब मैं क्वेश्चन की तरफ पढ़ता हूं, समझ गए सब लोग करना क्या है। कोई केस बना लो, ऑर्डर पहले लिख लो, जैसे मैंने ये ऑर्डर लिखा है, आप कोई ऑर्डर लिख लो, फिर वैल्यूज लिखो और देखो कि चेतन के पास अमाउंट पे क्या इफेक्ट आएगा। 1300 ही आ रहा है, 1300 ही आ रहा है, अलग अलग केसेस लिए ना, ये तुम किसी एक दूसरे को बताया तो नहीं आप लोगों ने, बाकी लोग भी बताए, कोई एक और लेके देख लो, 2 केस बनाए, एक बनाए, 2 बनाए, एक और बनाओ, दोनों में 1300 आ रहा है, नमन दोनों केस बना, 2 बनाए या एक मेरा एक आपका, अमन ऋतिक कितना, हर बार 1300 आ रहा है, मैंने कोई आपसे ये तो नहीं बोला कि यही केस लेके चलो, मैंने आपसे बोला कोई भी केस लेके चलो। तो एक बात क्लियर हो गई, जिस टाइप से ट्रेडिंग चल रही है चेतन के लिए, एट द एंड ऑफ डे 5th उसके पास 10 शेयर कम आएंगे जितने भी इनिशियली थे, एंड इनिशियली बोथ हैव द सेम नंबर ऑफ शेयर्स, एंड इनिशियली बोथ हैड सेम अमाउंट ऑफ। तो अगर सिर्फ चेतन ट्रेडिंग कर रहा है तो मेरे को चेतन के बारे में पता है कि 10 शेयर कम हो जाएंगे प्लस 1300 रुपए ज्यादा आ जाएंगे उसके पास, समझ गया बात को, सब लोग हैं साथ में। एंड व्हाट अबाउट माइकल, माइकल क्या कर रहे हैं, कैसे ये किस टाइप से ट्रेडिंग कर रहे हैं, इन्होंने थोड़ा सा स्मार्टली खेलना है कि जब 90 के बिलो जाएगा शेयर का प्राइस तभी ये खरीदेंगे, और जब 110 के ऊपर जाएगा मतलब 90 पर ये ट्रेडिंग नहीं करेंगे, 90 पर ट्रेडिंग, बिलो 90 लिखा है एंड अबव 110, तो ये 90 पर ट्रेडिंग, 100 पर ट्रेडिंग, 110 पर, बट 120 एंड अब कोई भी वैल्यू आ गई चाहे जितनी बार आ जाए वो ट्रेडिंग करेगा, और 90 के बिलो कोई भी वैल्यू चाहे जितनी बार आ जाए वो ट्रेडिंग करेगा, मतलब खरीदेगा बेचेगा, उसको ट्रेडिंग ही बोलते हैं, वो ट्रेडिंग करेगा, समझ के बात को।
तो देर इज अ चांस कि शायद माइकल ट्रेडिंग करे ही ना। अगर मैं कुछ ऐसा केस बना पाऊं कि कभी प्राइस 90 के बिलो ना जाए, कभी प्राइस 110 के अबव ना जाए, तो माइकल ट्रेडिंग नहीं करेगा। हो सकता है yes, ये इतनी सारी चीजें इस क्वेश्चन में हो सकती हैं, सिर्फ इतने को पढ़ करके समझ में आता है। समझ गए बात को? मैं आपको दिखा देता हूं जो मैंने 10 पॉसिबिलिटीज की बात की है, मैंने बना रखा है, अगर चाहोगे बनाना तो वो बनाए भी जा सकते हैं। मैंने क्या किया, डे 1, डे 2, डे 3, डे 5 ऐसे कर रखा है पूरा। स्टार्ट क्या किया है कि अगर पहले दिन प्राइस डिक्रीज होता है, तो जब पहले दिन अगर प्राइस डिक्रीज होता है तो अगले दिन डिक्रीज होएगा या तो इंक्रीज होगा, एक साथ दो पॉसिबिलिटी बना दो। 90 से या तो 80 पे जाएगा या 90 से, अब 90 80 से या तो ये 90 पे जाएगा, 70 पे जा सकता है क्योंकि दो बार डिक्रीज हो गया ना। अब आपको लगातार यहाँ तो ये पॉसिबिलिटी यहीं पे खत्म, इसके आगे नहीं बढ़ सकते। लेकिन अगर आप 90 से 100 पे गए हो तो आपके पास फिर दो पॉसिबिलिटी आएंगी, या तो ये घट जाएगा या तो ये बढ़ जाएगा। समझ रहे हैं? इनिशियली 90 इधर लेके चल रहा है, दो पॉसिबिलिटी बन गई और यहाँ पे वैल्यू शुरुआत की वैल्यू सेम थी। अब अगर यहाँ 90 है तो अगले दिन 100 हो सकता है या तो अगले दिन नहीं हो सकता क्योंकि दो डिक्रीज हो चुका है, तो इसलिए ये पॉसिबिलिटी में आगे आप नहीं बढ़ पाओगे, ये पॉसिबिलिटी यहीं पर खत्म। आगे क्या करना है, सिर्फ इंक्रीज कराना है क्योंकि दो बार डिक्रीज हो चुका है। इसमें आते हैं, यहाँ एक बार डिक्रीज हो चुका है, दो बार इंक्रीज हो चुका है। अब 110 से या तो आप 120 जा सकते हो या तो वापस 100 पे आ सकते हैं, है ना। तो इस टाइप से आपकी पॉसिबिलिटीज बन जाएंगी। अब यहाँ पे दो बार डिक्रीज हो गया, डिक्रीज वाला मामला खत्म हो जाएगा। तो डिक्रीज के साथ पहले दिन अगर डिक्रीज हो तो अगला इंक्रीज कहाँ होगा, बीच में कहीं पे आया, हमने देख लिया साला। अब वही केसेस बचे जहां पे पहले दिन इंक्रीज है, अब इसके साथ देखेंगे, टोटल 10 पॉसिबिलिटीज बनेंगी। चाहो तो बना लो और इसके बगैर भी कर सकते हो, उसका कोई इश्यू नहीं है। लेकिन घर पे जा करके ये खुद से बनाना कि आप ये 10 पॉसिबिलिटी बना पा रहे हो कि नहीं बना पा रहे, फोटो खींच के फायदा नहीं है। अभी क्वेश्चन करोगे ना तो उसमें देखना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा आपको, तो कॉपी पे लिखोगे तो ज्यादा समझ में आएगा। ऐसा मेरे पास पता नहीं कितनी ई बुक्स पड़ी हुई है, लेकिन सिर्फ पड़ी हुई है, समझ रहे हैं, तो कलेक्ट करके रखो, कोई यूज नहीं करेगा उसका, है ना। लिखेंगे तो शायद देखो एक बहुत सटीक ऑर्डर में वैल्यूज लिखी हुई है, ऐसे रैंडम ऑर्डर्स नहीं लिखे हुए हैं, तो उसको बनाया गया है दिमाग लगा करके, तो अगर उसको जब लिखोगे तो शायद कुछ क्लिक करेगा आप लोगों को, है ना, इसलिए लिखना चाहिए हमेशा। मैं तो भाई करता हूं हमेशा यही काम, मेरे पास कोई भी क्वेश्चन आएगा या कोई नई चीज मुझे सीखनी होगी तो भले उसमें ABCD लिखनी है मैं लिखूंगा। अगर आपने मेरी नंबर सिस्टम की क्लास की हो जिसमें मैंने बेस सिस्टम कराया था, मैंने नंबर तक लिखना सिखाया, मैंने ये भी बताया कि कैसे ऐड करते हैं कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये भी सिखाया, ना सिखाता तो बेस सिस्टम नहीं आता। समझ, एक सेकंड, पॉसिबिलिटीज लिखो मैं। क्वेश्चन की तरफ बढ़े और इससे ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक। पॉसिबिलिटीज में दिखा दूंगा दोबारा, लिखनी है सबने, नहीं लिखा, लिख लीजिए, लिखिए।
घर पे ये पॉसिबिलिटीज दोबारा बनाने की कोशिश करना कि आप सारे बना पा रहे हो 10 के 10 या नहीं, है ना। आगे बढ़ा जाए क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है क्वेश्चन आपसे पहला? इफ चेतन सोल्ड 10 शेयर्स ऑफ एमसीएस ऑन 3 कंसेक्यूटिव डेज, ठीक, तो चेतन शेयर्स को कब बेचता है? जिस दिन प्राइस बढ़ता है तभी शेयर्स को बेचता है। तो आपको क्या करना है कि वो सारी पॉसिबिलिटीज देखनी पड़ेंगी जब लगातार 3 दिन प्राइस बढ़ रहा है, जब लगातार 3 दिन प्राइस बढ़ रहा है। समझ गया बात को? क्लियर क्लियर सभी लोग? वाइल माइकल सोल्ड 10 शेयर्स ओनली, लेकिन माइकल ने सिर्फ 10 शेयर्स बेचे हैं, तो माइकल शेयर्स को कब बेचते हैं? जब 110 से ऊपर जाता है, मतलब 110 के ऊपर की वैल्यू सिर्फ एक बार आनी चाहिए, दैट वैल्यू विल बी 120। अच्छा, इसलिए मैं देख रहा था, चलो कोई बात नहीं। ये है द चेतन एंडेड अप विद रुपीज, अच्छा 1300। रुको मैं पहले अपने क्वेश्चन पे आ जाता हूँ। अच्छा यहाँ पे, ठीक है ठीक, चलो। इफ चेतन सोल्ड 10 शेयर्स ऑफ एमसीएस ऑन 3 कंसेक्यूटिव डेज, तो आपको पता चल गया लगातार 3 बार बढ़ेगा तभी वो बेचेगा, एंड माइकल सिर्फ एक बार बेच रहा है, 110 के ऊपर जाएगा तभी बेचेगा, तो 110 की वैल्यू कितनी बार आनी चाहिए? 2 बार आएगा तो 2 बार बेच देगा भाई, एक बार लाना है ना, तो 110 के ऊपर की पहली वैल्यू क्या आएगी? तो 120 मुझे सिर्फ एक बार दिखना चाहिए तभी माइकल एक बार बेचेगा। समझ के बात को? तो पूछता है आपसे कि व्हाट वाज द प्राइस ऑफ एमसीएस एट द एंड ऑफ डे 3। तो अगर आपने पॉसिबिलिटीज बना ली हैं तो उसमें चेक कर सकते हो, इनकेस अगर आप पॉसिबिलिटी नहीं बनाते, समझिएगा मेरी बात को, डे 1, 2, 3, 4 एंड 5 तीन दिन लगातार प्राइस बढ़ाना है, वो 3 दिन लगातार ये हो सकते हैं, पहला दूसरा तीसरा, या दूसरा तीसरा चौथा, या तीसरा चौथा और, तो यही केस 3 केस बनते हैं। आप चाहो तो इसमें सर्च करना पड़ेगा 3 बार, मतलब तो तीनों केसेस सर्च करने पड़ेंगे जो 10 लिखवाए, लेकिन मैं उसको एक बार में भी यहाँ पे देख सकता हूँ। समझ गए बात को? अब मुझको थोड़ा वैल्यू लिखनी पड़ेगी, उसका रीजन है, जैसे यहाँ पे 110 आया या 120 आया या 100, ये मेरे मतलब का नहीं है, क्यों? दो बार नहीं 3 बार आ जाएगा। हाँ, मतलब एक से ज्यादा बार आ गया तो माइकल को तो एक ही बार ट्रेडिंग करानी है, मतलब ट्रेडिंग नहीं, मतलब एक ही बार उसको सेल कराना है, तो ये केस तो नहीं आएगा। अगर इस केस को देखो तो पहले हम पहुंचे 90 पे, फिर पहुंचे 100 पे, फिर 110 पे, 120 पे, फिर 110 पे आ गए, इसमें आ रहा है। एक बार इसमें भी देख ले कहीं एक से ज्यादा पॉसिबिलिटी तो नहीं सेटिस्फाई कर रही है, ये भी जरूरी है। तो यहाँ पर 90 पे पहुंचे, फिर 80 पे पहुंचे, फिर 90 पे, फिर 100 पे, और फिर तो यहाँ पर थे वो खरीद लेगा, बेचेगा नहीं, तो उसके बेचने की बारी ही नहीं आ रही है। तो वो जो केस आ रहा है सिर्फ एक ही केस है, और वो ये केस है। आपने जो पॉसिबिलिटीज लिखी है 10, उसमें कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटी छुपी होगी, है ना। तो पूछ कह रहे हैं कि व्हाट वाज द प्राइस ऑफ द एमसीएस एट द एंड ऑफ, यही आंसर, एंड की बात किया है। अगर पूछता है ओपनिंग प्राइस क्या था, तो आपका ओपनिंग प्राइस होता जो लास्ट डे का क्लोजिंग प्राइस, है ना, ऐसा शायद मेंशन है, है ना, कायदे से इनको ऐसा पूछना चाहिए था। क्लियर है सभी को? कोई कंफ्यूजन? गुड, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, इफ चेतन एंडेड अप रुपीज 1300 मोर कैश देन माइकल एट द एंड ऑफ डे 5, सॉल्व नहीं करने किसी को, इस मैं आगे पढ़ूंगा नहीं, पूछ क्या रहा है, सब इधर देखेंगे, इस लाइन का क्या मतलब है, सब इधर देखेंगे। सुब्रत इधर, हाँ अब बताओ इस लाइन का क्या मतलब है,
इफ चेतन एंडेड अप रुपीज 1300 मोर कैश देन माइक मुझे नहीं ध्यान है बताओ तो इसका मतलब क्या हुआ हाँ ठीक है इस लाइन का जो लाइन ये जो पहला लाइन है इसका मतलब क्या हुआ जो मुझे चाहिए वो बात नहीं आ पा रही एक एक खुद से 1300 ज्यादा है खुद से 1300 ज्यादा है यहाँ पर माइकल से 1300 ज्यादा है अब स्टार्टिंग पे दो की वैल्यू पे इक्वल थी तो अगर हम लोग ऐसा कोई कंडीशन देख लें इसमें माइकल ट्रेड ही ना कर पाए तब वो कंडीशन हम लोग सेटिस्फाई कर वेरी गुड अब आप बताओ क्या करें जिस दिन से क्या मतलब चेतन चेतन डेली ट्रेडिंग करता है 3 बार बेचेगा 2 बार खरीदेगा मैंने पहले बोला कि क्लैरिटी बहुत जरूरी है क्वेश्चन और बताओ क्या करें शेयर कम से मतलब नहीं है शेयर कम से मतलब बट क्या ऐसा कभी हो सकता है कि माइकल भी ट्रेडिंग करे और चेतन भी ट्रेडिंग करे और एट द एंड ऑफ डे 5 माइकल से ज्यादा पैसा आ जाए चेतन के पास नहीं आ सकता नहीं। क्योंकि चेतन के पास हर बार खुद के अमाउंट से 1300 ज्यादा आएगा है ना चेतन के पास कोई वेरिएबल वैल्यू नहीं आ रही है एक फिक्स्ड वैल्यू आ रही है इसका मतलब कि माइकल के पास पैसा जितना था उतना ही रहना चाहिए नहीं समझे मेरी बात को तो माइकल के पास जितना पैसा था उतना ही रहे ये कैसे पॉसिबल है या तो ट्रेडिंग ही ना करे या तो कुछ ऐसा ट्रेडिंग करे कि जितना आ रहा है उतने पैसा चला जाए क्या कोई ऐसा केस है जहां पे माइकल के लिए मैं बोल सकता हूँ कि जितना पैसा आया उतना गया और उसके पास उतना ही अमाउंट बचा नहीं है तो मेरे पास फाइनली कहने के लिए यही बचता है कि ये उस केस को मुझे बोल रहा है कि जब माइकल ट्रेडिंग ना करे और माइकल ट्रेडिंग क्यों ना करे भाई कैसे नहीं करेगा जब 90 के बिलो ना जाए और 100 तो आपको पॉसिबिलिटीज में सर्च करना पड़ेगा ऐसी कौन सी पॉसिबिलिटी है अरे रुक जाओ थोड़ा है ना क्लियर है पूछ क्या रहे व्हाट वाज द प्राइस ऑफ द एमसीएस शेयर एट द एंड ऑफ डे 4 पे क्या प्राइस रहा होगा दिमाग लगाओ सब लोग डे 5 के एंड पे क्या प्राइस है तो उसके पहले क्या हो सकता है 120 पे वो ट्रेडिंग करेगा माइकल सही तो है नहीं समझे भाई अगर डे 5 पर 110 है तो डे 4 पे क्या हो सकता है या तो 100 या तो 120 120 वाला एलिमिनेटेड राइट माइकल ट्रेड कर लेगा उसको ट्रेड नहीं कराना है 100 ही आएगा तब दैट इज द आंसर कोई कंफ्यूजन या तो मैं फिर बात वही होती ना मैंने बोला या तो पॉसिबिलिटी में सर्च करूं एक एक करके पॉसिबिलिटी बनाने से एक बेनिफिट ये रहता है कि मुझको कहीं बाहर भटकने नहीं देगा जो कुछ भी है वहीं पर है सब कुछ सर्च कर लीजिएगा लेकिन अगर आप कुछ लॉजिकली सोच सकते हो तो उतना नहीं लिखना पड़ेगा समझ गए बात को तो ये थोड़ा सा इतना काम जब किसी सेट पर करेंगे देखो नो डाउट ये सेट में कई बार बना चुका हूँ मुझको एकदम रटा हुआ है झूठ के बोलो एकदम रटा हुआ है तो मुझे पता है कहाँ कहाँ पे क्या बातें हो सकती हैं लेकिन मेरा अप्रोच चाहे नया क्वेश्चन हो चाहे पुराना क्वेश्चन हो एवरी टाइम यही रहता है तो उसमें कोई कभी बदलाव नहीं आएगा तो आपके पास जब भी नया क्वेश्चन आए आपको परफॉर्म आपको करना है मुझे टेस्ट नहीं देना मुझे कैट नहीं देना तो मेरे ज्यादा मेहनत आप लोगों को करनी है और नहीं कर पाएंगे तो हम तो भाई यहीं पढ़ाएंगे आप भी आ जाइएगा है ना चलो आगे बढ़ते हैं चलो नेक्स्ट इफ चेतन एंडेड अप विथ 20 मोर शेयर्स देन चेतन एट द एंड ऑफ डे 5 मतलब इसका चलो आगे बाद में पढ़ेंगे क्या मतलब इधर देख के सब लोग हाँ
इस लाइन का क्या मतलब है? दो बार खरीदेगा और चेतन में कोई ऐसा कंडीशन देखना पड़ेगा हमें, नहीं पहुंच पाए आप सही कंडीशन तक पहुंच नहीं पाए। और सोचो बाकी लोग और बताओ, इफ माइकल एंडेड अप विद 20 मोर शेयर्स देन प्राइस की बात कर रहे हैं, प्राइस की बात कर रहे हैं। हाँ वही आप लोग जो मैं बोला उस बात को ध्यान में नहीं रख रहे हो क्या? एक मिनट, किसने? माइकल ने। तो फिर से बोले जरा पूरी बात। खरीद लिया तो उसके पास 10 शेयर बढ़ जाएंगे, ठीक। तो उसके पास 10 बढ़ गए, लेकिन माइकल से 20 ज्यादा क्यों हो जाएंगे? बात तो ये ना, चेतन से हाँ उल्टा। चेतन जो अपने सेल्स को बेच देता है तो माइकल से कम होता है। लास्ट वाले दोनों दिन बेच ही नहीं पाएगा, अब 110 आएगा ना लास्ट वाले दिन। नहीं, गलत लॉजिक। और भाई कंडीशन बना हो गया? अच्छा, हाँ एक दिन माइकल 10 शेयर खरीदे पर उसके एंड ऑफ द डे में कि एक दिन दो दिन ऐसा है चेतन अपने 20 शेयर देते क्योंकि लास्ट ऑफ द डे उसको 10 शेयर वापस खरीद नहीं पड़ेंगे। मेरी बात पे तुम लोग आप लोगों ने ध्यान ही नहीं दिया बिल्कुल। मैंने आपको बताया भी था शुरुआत में, मैंने जितनी बात बताई थी उन बातों को दोबारा रिकॉल करो, अपने आप आंसर आ जाएगा। इस पहली लाइन का मतलब क्या क्या मैंने बातें बताई, स्लाइड पढ़ी थी ना जो आप लोग से पूछा था, तो मैंने कुछ एडिशनल बातें बताई थी ना, उन बातों का रिकॉल करो। क्या क्या बताया था भाई? इन ईच केस कितना? 10 शेयर कम रहेगा। शुरुआत में दोनों के पास सेम नंबर ऑफ शेयर्स थे, मान लो 100 शेयर्स थे। चेतन के पास हर बार कितना आएगा? 90। चेतन के पास कुछ चेंज आएगा? भाई तीन बार बढ़ाया, दो बार घटा है, तो तीन बार बेचा है, दो बार खरीदा है। तो मैंने बोला कि चेतन के पास हर एक केस में 10 शेयर कम आएंगे, तो भाई माइकल के पास अगर 10 शेयर बढ़ा दो तो अंतर हो गया 20 का। मुझको एक केस चाहिए जब जब माइकल के पास 10 शेयर बढ़ जाएं, तो माइकल के पास 10 शेयर कब बढ़ेंगे? जब वो खरीदेगा। अब खरीदता कब है? तो मतलब मुझे वो कंडीशन चाहिए जहां पे 80 दिखे एक बार, और 80 तभी दिखेगा जब लगातार दो बार घट जाएगा। पहले केस था क्या? हाँ पहले 80 और कहीं नहीं दिख रहा होगा आपको? तो माइकल शेयर्स को खरीद पाए वो एक ही केस है। माइकल के पास 10 शेयर बढ़ गए, चेतन के पास हर एक केस में 10 शेयर कम रहेंगे, डिफरेंस इज 20। नहीं समझे? क्लियर है? वही मैं बोल रहा था, मैं बता चुका हूँ, आप लोग ध्यान नहीं दे रहे। आप लोग जबरदस्ती केस बनाने की कोशिश करो, दो बार बेचे एक बार नहीं एक बार खरीदे, वो नहीं करना है। क्लियर है? क्लियर सभी को? तो पहला केस, हाँ फिर पूछता कि व्हाट वाज द प्राइस ऑफ द शेयर एट द एंड ऑफ डे 3। दो बार लगातार घटा है 80, फिर तीसरे दिन 90 ही हो जाएगा, पहली पॉसिबिलिटी है। अगर नहीं क्लियर है तो मैं पॉसिबिलिटीज दिखा देता हूँ भाई। तीसरे दिन 90 है और कहीं पे 80 आ ही नहीं रहा होगा, तो माइकल खरीद पाए शेयर्स को, वो एक ही केस है मेरे पास। इज इट क्लियर? है ना? बहुत लॉजिकल सेट, ये सॉल्व करने में बहुत अच्छा लगता है, मैं बताऊंगा तो और ज्यादा अच्छा लगता है ना? लेकिन ये सेट पहली बार आए और हम इस तरह से सोच पाए, अगर आप सोच पाएंगे तो बहुत बड़ी बात है ना? तो यहां पे बन जाता है, उसको ये मत सोचो कि हो गया, ऐसे सेट्स बनने चाहिए। मेरे पास सेट्स बहुत रखे हैं, आप बोलिएगा तो सेट्स आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, लेकिन बनाओ उसके बाद।
तब मजा आएगी। और टाइमर लगा करके बनाओ, बहुत ज्यादा 20 मिनट, 20 मिनट के ऊपर जा रहा है छोड़ दीजिए सर को, सोल्यूशन देखो, टाइम नहीं वेस्ट करो कभी, ठीक है। आदत बना लो 20 मिनट वाली, उससे कम में हो जाए बहुत अच्छी बात है, बट ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये बचा ना, यही वाला है ना लास्ट ना, ये वाला, अच्छा ठीक है। ये क्या है, इफ माइकल एंडेड अप विद ₹100 लेस कैश देन चेतन एट द डेन एट द एंड ऑफ डे 5, फिर इस लाइन का मतलब बताओ, आगे नहीं पढ़ूंगा। माइकल के पास चेतन से ₹100 कम आए, क्यों कम आए भाई, इधर देखो सब लोग आप बताओ, माइकल के पास चेतन से ₹100 कम आए, यही तो बोल रहा है, क्यों कम आएगा। अक्षय इधर हूँ, कौन माइकल, वेरी गुड, चेतन के पास ज्यादा लाने हैं ना ₹100, माइकल के पास कम लाने हैं, चेतन के पास हर बार 1300 आता है, तो ना चाहते हुए माइकल को 1200 लाना पड़ेगा उसके पास, तो ₹1200 कब आएगा, जब वो बेचेगा, बेचेगा कब, जब 110 के ऊपर प्राइस जाएगा, तो 120 के रेट पे 10 शेयर बेच देगा एक बार खाली, तभी उसके पास ₹1200 आएगा। तो ऐसा केस अब मैं सर्च करूंगा जहां पे 120 सिर्फ एक बार आता है, जहां पे 120 सिर्फ एक बार आता है, शायद एक से ज्यादा केसेस हो रहे होंगे, देख लो है ना, हाँ 2-3 केसेस हैं, समझ गए बात को। चेतन के लिए नहीं सर्च करना, देखो अगर मैं ये चेतन वाली बात नहीं बताता आपको ना, ये सेट इम्पॉसिबल था, चेतन वाली बात पता होने की वजह से सेट आसान, अदरवाइज बहुत मुश्किल होते, क्लियर है सभी को। तो मुझे वो केस चाहिए जब माइकल 10 शेयर 120 के रेट पर बेचेगा, 3 केसेस मिल रहे हैं, देख लिए सारे केसेस, क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द डिफरेंस इन द नंबर ऑफ शेयर्स परचेस बाय माइकल एंड चेतन एट द एंड ऑफ डे 5। भैया देखो उसके पास 1300 कब आ रहा है, हर बार आ रहा है, और इसके पास हर बार 10 शेयर कम आ रहे हैं, क्यों, क्योंकि 10 शेयर बेच दिया होगा। माइकल के पास ₹1200 क्यों आ रहा है, क्योंकि वो भी 10 शेयर बेच दिया, दोनों 10-10 बेच दिए, सेम नंबर से स्टार्ट किए, तो डिफरेंस इज जीरो, पॉसिबिलिटी बनाने की जरूरत ही नहीं है, तो मैं जबरदस्ती बोल रहा, मुझे लगा प्राइस वगैरह पूछेगा, वो नहीं है, नंबर पूछ रहा। उसके पास तो देखो, चेतन के पास तो हर बार 10 कम आ रहे हैं, माइकल के पास ₹1200 लाना है, 10 शेयर वो भी बेच देगा, उसके भी 10 शेयर कम हो गए, दोनों के पास शुरुआत में बराबर थे, दोनों के पास 10-10 कम हो गए, समझ गए बात को, क्लियर है, अच्छे से क्लियर है, गुड। लास्ट वन, व्हाट कुड हैव बीन द मैक्सिमम पॉसिबल इंक्रीज इन कंबाइंड कैश बैलेंस ऑफ चेतन एंड माइकल एट द एंड ऑफ 50। अब भाई कंबाइंड शेयर ज्यादा से ज्यादा चाहिए, कब आएगा, कौन, चेतन के पास तो हर बार 1300 आते ही है, माइकल के पास ज्यादा से ज्यादा पैसा आए, पैसा कब आएगा, जब वो शेयर्स बेचेगा, मतलब 110 के ऊपर की वैल्यू ज्यादा से ज्यादा बार मिले, तो मुझे 120, 130, 120 तीन बार मिलेगा, चाहो तो चेक करो भाई, 110 से स्टार्ट हुआ 120, फिर 130, फिर 120 और फिर 110, यही वो केस है जहां पर माइकल ज्यादा से ज्यादा शेयर्स को बेच रहा है, तो जब यहां पे बेचेगा तो ₹1200 यहां से आएगा, ₹1300 यहां से आएगा और फिर ₹1200 यहां से आ जाएगा, है ना, ये तो इतना पैसा तो सिर्फ माइकल के पास आ रहा है, और चेतन के पास 2600, 2400, 5000, तो मैक्सिमम पॉसिबल जो कैश होगा दोनों के पास एट द एंड ऑफ डे 5, वो ₹500 का इंक्रीज आएगा उसमें, क्लियर है सभी को, कोई कंफ्यूजन है या कोई डाउट है तो एक बार और बता दो।
समझ गए सभी लोग। अब मेरे पास टाइम ज्यादा नहीं है, 6:47 हो रहा है, तो 12-13 मिनट में कोई सेट तो नहीं करा पाऊंगा, लेकिन एक ऐसा सेट करा दूं जिसमें थोड़ी बात मैं बता दूं और बाकी बात आप लोग घर पे सॉल्व करो, है ना, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो इसी के जस्ट बाद वाला शीट में जो है छोटा सा सेट है, बहुत बट थोड़ा सा खोटा सा है तो समझना पड़ेगा अच्छे से, तो एक बार पढ़ो जरा अच्छे से। इन्फॉर्मेशन के नाम पे सिर्फ इतना है उसमें शीट में। सीएसटी कंपनी कंडक्टेड एन एप्टीट्यूड टेस्ट फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ द ट्रेनी मैनेजर्स। द टेस्ट हैड 25 क्वेश्चंस। इंपॉर्टेंट थिंग, द नंबर ऑफ क्वेश्चंस इज फिक्स्ड 25 विद 4 मार्क्स अवॉर्डेड फॉर एवरी करेक्ट आंसर एंड 1 मार्क वॉज डिडक्टेड फॉर एवरी रॉन्ग आंसर। लाइक कैट, कैट में भी +3 -1 हो गया, बट बहुत पहले जो है +4 -1 ही होता था, 1/4 वाला केस था, ये तब का है सर, है ना। तो इसमें है कि नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो 25 है अपने पास, +4 फॉर एवरी करेक्ट आंसर, -1 फॉर एवरी रॉन्ग आंसर। और थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, इस पर बेस्ड मैं सेट्स आजकल कई मॉक्स में देख रहा हूँ, ठीक। क्वांट्स में भी आ सकता है, मतलब ऐसा क्वेश्चन बनाना चाहूँ तो क्वांट्स में भी दे सकता हूँ। इट इज नोन दैट, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसका मतलब समझना है। इट इज नोन दैट इफ टू और मोर स्टूडेंट गॉट इक्वल मार्क्स, बहुत चांसेस हैं कि सबके मार्क्स, कुछ लोगों के मार्क्स सेम आ जाए, then they did not attempt same number of questions, तब उनका जो number of questions होएगा वो same नहीं होना चाहिए। तो ये बात का मतलब ये है कि जैसे अगर किसी का स्कोर मान लो 60 आ जाता है, 60, तो 60 स्कोर करने के हो सकता है 2-3 तरीके हों। कोई हो सकता है कि 15 के 15 क्वेश्चन सही करके 60 ले आया, और कोई कुछ क्वेश्चन सही और कुछ क्वेश्चन गलत करके 60 ले आया, तो नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्टेड अलग अलग हो गए, समझ गए। तो ये बोलना चाह रहा कि अगर मार्क्स सेम है देन देयर नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्टेड विल बी डिफरेंट, क्वेश्चंस नहीं नंबर ऑफ क्वेश्चंस, समझ गए, क्लियर है सभी को, कोई कंफ्यूजन, गुड। इससे ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है। नाउ द फर्स्ट केस, इफ अमन अजीत एंड आलोक स्कोर्ड इक्वल मार्क्स, अगर ये तीन लोग इक्वल मार्क्स ले आते हैं टेस्ट में, then what could be the maximum marks they could have scored? Options को थोड़ी देर के लिए भूल जाएगा, without options हमें, तो maximum marks क्या हो सकते हैं जो वो score कर सकते हैं। पहले cat में ना ये options आते ही थे, टीटा नहीं होता था, ये बहुत बाद में हुआ है शायद, तो अब अगर आएगा तो हो सकता है कि options ना हो, इसलिए इस particular question में without option ही जाइएगा, ठीक। थोड़ा सोच करके बताओ कैसे इस बात तक पहुंच सकते हैं, एक मैक्सिमम स्कोर चाहिए जिसको ये तीन लोग स्कोर कर सकते हैं। क्वेश्चन समझ पा रहे हैं? अब आपको जो जो क्लिक कर रहे हैं वो डिस्कस करो। हाँ, सारे क्वेश्चन करेक्ट हो जाएंगे तो 100 मार्क्स आ जाएंगे, और लेकिन वो जो स्कोर है वो तीन लोगों का नाम है, तो 100 जो स्कोर है इट इज एन यूनिक स्कोर। 100 को दो बच्चा नहीं ला सकता यहाँ पे, क्यों? क्योंकि 100 लाने का एक ही तरीका है, 25 के 25 सही कर दें, तो अगर उसका तरीका एक है तो एक ही बच्चा ला सकता है, क्योंकि यहाँ बोला गया कि अगर कुछ कुछ लोगों का स्कोर सेम है तो उनके नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्टेड आर मतलब वही डिफरेंट है मतलब डिफरेंट है, क्लियर है। तो 100 लाने का एक ही तरीका, तो 100 तो सिर्फ एक ही बच्चा ला सकता है, दो बच्चे 100 नहीं ला पाए, यह इसका मतलब समझ पाए कौन मुझे जो बोलना चाह रहा था। अब इस बारे में सोचो, बहुत बेसिक सा लॉजिक है इसके पीछे, बहुत बेसिक। और ऐसे क्वेश्चंस में क्या अप्रोच होनी चाहिए मैं बता देता हूं, उस पर काम करना चाहिए आपको। एक स्कोर अपने दिमाग में कोई सोच लो, और ये सोचो कि उस स्कोर को एक से ज्यादा बच्चा अगर ला पा रहा है, क्यों ला पा रहा होगा और कैसे ला पा रहा होगा, ठीक है, उस बात पे फोकस करो। इस क्वेश्चन से थोड़ी देर के लिए हटो, पहला फोकस सेम स्कोर पे एक से ज्यादा बच्चे अटेम्प्ट कर पा रहे हैं
या एक से ज्यादा बच्चे सेम स्कोर ला पा रहे हैं, क्यों और कैसे, उनके अटेम्प्ट्स पे ध्यान दो, शायद मेरी बात समझ पाए। समझ पा रहे हैं क्या कहा मैंने? कोई भी एक स्कोर लेकर के देखो, बहुत बड़ा नहीं, बीच का स्कोर कोई लेकर के देखो, है ना, क्योंकि क्या पता आपने कोई ऐसा स्कोर उठा लिया जो यूनिक हो, 100 के तो और भी यूनिक स्कोर्स हैं, 60, ओके, देखते हैं, 60 से ज्यादा नहीं हो सकता, मैक्सिमाइज करना है। अच्छा, मैं देखो कंफ्यूज करने की कोशिश करता हूँ, प्लस ये भी चाहता हूँ कि आप ज्यादा ज्यादा कॉन्फिडेंट होकर आंसर करो, तो मैं अगर बोलूँ तो जबरदस्ती अपना आंसर चेंज नहीं करना को, मतलब इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए, है ना? कितना आ रहा है? 60, अभी 68 बोल रहे थे, नहीं कोई एक आंसर होगा, मैक्सिमम है ना 60 आपका, 60 क्योंकि ये बोल रहे हैं। हाँ, अभी श्योर हो, समझाओगे आप ही? तो टाइम बहुत ज्यादा नहीं है, इसलिए मैं आपसे ही पूछूंगा। मैं बोला था कि अगर ये ना हो ऑप्शंस तब, कैसे पहुंचेंगे? मतलब नहीं समझा, जैसे 70 मार्क्स आ रहे हैं, 70 ठीक, तो 70 मार्क्स के लिए हमें लगभग 20 क्वेश्चन तो करने ही पड़ेंगे, अभी जहाँ पे 5 क्वेश्चन तो 5 नंबर कम करेगा, ठीक, तो सारे के सारे 20 क्वेश्चन तो सेम होंगे ना लोगों के, ठीक होंगे, क्योंकि साइड पे ये अप्रोच आता है कि वहाँ कि उन्होंने क्वेश्चन के हाईएस्ट तो सेम नहीं क्वेश्चन। अभी भी मेरे को बहुत क्लैरिटी नहीं है, और जहाँ क्लैरिटी नहीं रहती फिर मैं वहाँ से हट जाता हूँ। चलिए कोई बात नहीं, आप बताओ। अगर 60 नंबर लाने तो 3 लोग हैं, अब एक उसमें से या तो 15 सही कर सकता है और फिर अटेम्प्ट ही नहीं किया, 60 लोग है, 15 ठीक, 15 सही 0 गलत, 60 स्कोर आएगा, यस सर, ठीक। अब जो अगला वो होगा उसको वो चाहे तो 16 सही कर सकता है और फिर 4 गलत कर सकता है, वेरी गुड, 4 पाया। बस एक यही चीज है यहाँ पे, आपको एक बात समझनी है कि मैंने आपसे बोला कि पहले आपको एक पर्टिकुलर स्कोर सोचो, तो 60 आंसर है इसलिए 60 के लिए मत सोचो, है ना, मैंने बोला कि कोई भी वैल्यू ले लो, लेट्स से अगर मैं ले लेता कि 30 स्कोर है, तो मैं सोचता कि 30 का किसी को स्कोर कराना तो बेस्ट तरीका क्या है, कि भाई 8 क्वेश्चन सही करा दो और 2 क्वेश्चन गलत करा दो, 8 से कम क्वेश्चन आप सही करा के 30 नहीं करा सकते, क्योंकि 7 क्वेश्चन सही कराओगे तो 28 स्कोर हो जाएगा, कुछ गलत कराओगे तो और कम होगा, बढ़ नहीं सकता, तो 30 स्कोर कराना तो मिनिमम जो करेक्ट आंसर्स होंगे वो 8 ही आएगा, 2 गलत करा तो 30 पहुंच गए। अब मुझे चाहिए कि ऐसा अटेम्प्ट कि मार्क्स तो 30 ही आए बट नंबर ऑफ क्वेश्चन अलग हो जाए, तो उसका तरीका ये है कि यहाँ पे जब भी बच्चा एक क्वेश्चन सही करेगा तो उसको कितने मार्क्स मिलेंगे, और उसे बैलेंस करना है तो कितने गलत करा दो, 4, एक क्वेश्चन पे एक ही मार्क्स तो कट रहे हैं, तो अगर एक सही कराओगे तो 4 गलत कराने पड़ेंगे, तो अगर यहाँ 9 आएगा, यहाँ 1 बढ़ेगा तो यहाँ 4 बढ़ेगा, 9 और 6, समझे? उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ और यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स 5 क्वेश्चन का डिफरेंस आ रहा है, 5 क्वेश्चन का डिफरेंस आ रहा है, और क्योंकि क्योंकि उसके मार्क्स को मैक्सिमाइज कराना, जो 3 बच्चे स्कोर कर सकते हैं, तो भाई 5-5 करते हुए देखो मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन 25 है, तो 25, 20 और 15 मेरे को यही स्ट्राइक करता है, वो 3 केस ये होने चाहिए, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्टेड बाई दोज 3 स्टूडेंट्स शुड बी 25, 20 एंड 15। समझ पा रहे बात को? जिसने 15 क्वेश्चन किए हैं और मुझे उसका स्कोर मैक्सिमाइज कराना, तो मैं कोई क्वेश्चन गलत, इसलिए उसका स्कोर मैं करा दूंगा 60, मतलब 15 सही और 0 गलत, इसके लिए क्या हो जाएगा 16 सही और 4 गलत, इसके लिए 17 सही और 60 इज द स्कोर जिसको 3 बच्चे, 60 इज द मैक्सिमम स्कोर जिसको 3 बच्चे स्कोर कर सकते, 60 के ऊपर या उसके बिलो,
मतलब ऊपर, मतलब मैक्सिमम तो नहीं है ऐसा कोई, तो मतलब तो इसलिए 60 मेरा मैक्सिमम स्कोर है, बिकॉज 60 के ऊपर कोई ऐसा वैल्यू पॉसिबल नहीं। समझ पाए, क्लियर है सभी को? बाकी के 3 क्वेश्चन आप ट्राई करेंगे, नहीं बनता है मैं बताऊंगा, एक आध सेट और अच्छे अच्छे बचे हैं, मैं इसमें कोशिश ये करूंगा कि इन शीट्स का कोई भी क्वेश्चन छोड़े ना जाए, क्योंकि बहुत अच्छे सेट्स हैं, इनको बनाएंगे और इसी टाइप के सेट्स आपको मॉक्स में या कैट पेपर्स में मिलेंगे, ये तो श्योर है। सेम मिलेंगे तो श्योरिटी नहीं है, बट इस टाइप के मिलेंगे, ठीक है? चलो, थैंक यू एवरीवन।